अक्षय कुमार इन धड़कन. आई होप अक्षय कुमार यू आर लिसनिंग टू दिस एंड आई होप यासिर इज नॉट लिसनिंग टू दिस. कबीर की सबसे पहली मेमोरी क्या है आपके जहन? मेरे पास उसकी एक वीडियो है, आई थिंक ही वाज अ डे ओल्ड, तो उसकी हमने एक वीडियो बनाई. सो इट्स लाइक ऐसे देख रहा है जैसे मैं कहाँ आ गया हूँ, मैं इतना सुकून में था. Where have you guys brought me? क्या हो रहा है ये? तो वो जो एक वीडियो है और जो उसके एक्सप्रेशंस थे ना, आई कैन नेवर फॉरगेट दैट. माही या नूरी? अरे यार ये बहुत खतरनाक. Hey guys, assalamu alaikum. This is Rabia and you're watching me on Fusha Magazine. रांझा रांझा कर दे जब मैं देख रही थी, मैंने सोचा भी नहीं था कि नूरी, जिसकी मैं इतनी बड़ी फ़ैन हूँ, मैं एक दिन उनके सामने बैठ के उनसे बातचीत कर रही होंगी. सीरियसली नहीं सोचा था. ये इंट्रो थोड़ा सा लंबा होगा, तो एज आई ऑलवेज से कि आपको नहीं सुनना है तो गेस्ट पे डायरेक्टली जाके उनकी बातें सुन सकते हैं, और अगर मेरी आवाज़ सुननी है तो फिर मेरा इंट्रो सुन लें. सो व्हाट आई लव अबाउट हर इज़ हर पॉजिटिव एटीट्यूड. मैं उनके कुछ इंटरव्यू सुन रही थी और उन्होंने कहा कि जब वो शादी पर रुखसती हुई तो वो रोई नहीं, क्योंकि उन्होंने कहा कि मैं ज़िंदगी का एक नया फेज़ स्टार्ट करने जा रही हूँ, मैं खुशी की चीज़ करने जा रही हूँ, मैं रोऊँ क्यों. मुझे वो बात इतनी इंटरेस्टिंग लगी, आई वाज लाइक वाओ दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग यू नो कॉन्सेप्ट, बिल्कुल सही कह रही हैं. फिर उन्होंने कहा कि मैं अपने फादर के बारे में सोचती हूँ तो मैं बहुत ज़्यादा दुखी नहीं होती, बल्कि मैं सोचती हूँ कि ही शुड बी प्राउड ऑफ मी कि मैंने कितना अच्छा यू नो मैं क्या कर रही हूँ. अगेन यू नो हम लोग जो चले जाते हैं हमारे प्यारे, उनको देख के बहुत अफसरदा होते हैं, उनके सोच के यू नो मुझे मैं ये सुन रही थी ना, लाइक इतनी छोटी उम्र में इतनी बातें, वाओ. एंड शी हैज़ डिफाइड ऑल द स्टीरियोटाइप्स जो इस इंडस्ट्री में पाई जाती हैं छोटे बालों के साथ. कितने अरसे तक शी कैरीड हर सेल्फ विद सच अ कूल एटीट्यूड, यू नो शादी छोटी एज पे कर ली, बच्चा कर लिया, कमिटमेंट से डरी नहीं. तो इससे ज़्यादा मैं क्या उनकी तारीफ़ें करूँ. मेरे साथ हैं आज द वन एंड ओनली द लवली इकरा अज़ीज़. अस्सलाम वालेकुम इकरा, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ. आपने इतना प्यारा इंटरव्यू दे दिया कि मुझे लग रहा है कि सब आपने बोल दिया, मैं क्या बोलूँगी. नहीं नहीं ये तो पुरानी बातें, हम तो नई बातें करेंगे ना. ओके, आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर दिस. आपको इंटरव्यू देने में वैसे मज़ा आता है? मुझे मज़ा बहुत आता है और मुझे लगता है कि अगर इतने मतलब इंटरव्यूज़ देने के बाद और यहाँ एक इंटरव्यू में बैठने के बाद मैं ये बोलूँ दैट आई एम अ वेरी शाय पर्सन, तो ये काफ़ी अजीब लगेगा, शायद कोई मानेगा नहीं इस बात को, बट रियली आई एम ऑलवेज नर्वस बिफोर गिविंग एन इंटरव्यू. मुझे बड़ा ये होता है कि यार मैं क्या बोलूँगी, कोई मुझसे क्या सवाल पूछेगा, मुझे स्टोरीज़ ज़रा ज़्यादा याद नहीं रहती हैं और हर कोई बोलता है अच्छा उस सेट पे क्या हुआ था, अच्छा कोई एक डायलॉग या कोई, तो मैं बोलती हूँ ओ अच्छा मुझे याद नहीं है, प्लीज़ स्क्रिप्ट लाना, बताना क्या था. तो मैं हमेशा ऐसी होती हूँ, बट इंटरव्यूज़ आर ऑलवेज़ वेरी इंटरेस्टिंग, लेकिन मुझे डर भी लगता है. बट कोई एक ऐसी चीज़ है जो आप सोचती हैं कभी किसी ने पूछा हो आपसे इंटरव्यू में, या कभी कोई इंटरव्यू देखते हुए कोई सवाल किसी और से किसी ने पूछा और आपने सोचा यार ये मुझसे कोई पूछे तो मज़ा आए, कुछ ऐसा है याद आ रहा है? मेरे ख्याल से अच्छा मैं ना इंटरव्यू देते हुए भी ज़रा झिझकती हूँ और दूसरों के इंटरव्यूज़ देखती हूँ तो मुझे नहीं पता कि किसी का किसी का क्या सवाल हो सकता है, लेकिन मुझे हमेशा ये होता है कि यार मुझे सिर्फ एक चीज़ अजीब लगती है कि वो जो रेपिटेटिव एक सवाल होता है ना कि अच्छा आपने ड्रामे किया, आपने अपना करियर कैसे शुरू किया, वो वाले जो एक होते हैं हाउ डिड यू स्टार्ट ऑफ, और आपका फेवरेट को एक्टर कौन है, केमिस्ट्री आपकी किससे अच्छी है, तो मुझे मेरा दिल करता है कि मैं एक ना पेपर पे या हाथ पे छपा लूँ, जैसे ही कोई मुझे बोले ये देख लें, यू नो यू गो, ये आंसर है, ये लें आप. मुझे प्रेशर, लेकिन हाँ मुझे वो आई थिंक वो थोड़ा अजीब लगता है. बाकी मुझे मैं अपने ज़हन में अपने क्वेश्चंस आई एम गोइंग थ्रू. अच्छा भला तो नहीं है, काट दो काट दो. नहीं 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 आई डोंट माइंड, जस्ट जोकिंग. मुझे सिर्फ उससे होता है कि एक चीज़ है और वो पता चल गई और काफ़ी ज़्यादा पता चल गई है, यू नो आई एम श्योर दैट आई वुड हैव समथिंग न्यू टू ऑफर कि आप मुझसे कुछ नया पूछ सकें. मुझे लगता है मैं इतनी पुरानी हो गई हूँ, मेरे पास भी कुछ नया नहीं है कि आपके पास भी नहीं सवाल है. नहीं बट आई लव रांझा रांझा करती हूँ यार, थैंक यू, आई जस्ट लव्ड इट. और फिर इतनी दफ़ा मैं वैसे ना कुछ दिल की बातें भी कर रही हूँ एक तरह से, आई लाइक इट, क्योंकि अक्सर लोग ना डिबेट कर रहे होते हैं ये कैरेक्टर कौन है, मैं तो आई ऑलवेज ये इकरा कर सकती है, बिकॉज मैंने कहा जो रेंज उन्होंने दिखाई ना नूरी के कैरेक्टर में, once you see that you know कि ये लड़की जो है ना इसको कोई भी कैरेक्टर दो शी विल यू नो जस्ट एस इट. एंड देन अभी खुदा और मोहब्बत में वाओ अमेजिंग परफॉर्मेंस, थैंक यू सो मच. आई एम सो सॉरी आई एम इंटरप्टिंग, बट इसमें ना मुझे हमेशा बहुत अहम लगता है ये बोलना कि एक एक्टर चाहे उसका ग्राफ जितना भी हो, चाहे वो जितना भी केपेबल हो करने के,
अगर एक डायरेक्टर उसको एक रास्ता नहीं दिखाता, उसको ट्रेन नहीं करता, उसको गाइड नहीं करता कि आपको इस कैरेक्टर में ऐसा करना चाहिए या इस सीन में ऐसा करना चाहिए या ये नहीं करना चाहिए, वो अगर आपको गाइडेंस नहीं मिलती ना, तो आई डोंट थिंक एक एक्टर वो कर पाता है जो वो करता है और फिर उसके बाद लोग उसे पसंद करते हैं. तो एक डायरेक्टर सबसे पहले होता है, फिर एक राइटर होता है. ये दोनों मिल के वो चीज़ बनाते हैं जो लोगों को इतनी पसंद आती है कि यार आप यहाँ पर जैसे बोल रही हैं कि वो प्रोजेक्ट अच्छा था या वो कैरेक्टर अच्छा गया, इट्स बिकॉज ऑफ माई डायरेक्टर काशिफ निसार. मतलब वो मुझे इतने पसंद है, इतने पसंद है कि बस मुझे ये होता है कि मैं शायद हर प्रोजेक्ट उनके साथ करना पसंद करूं. ही इज़ एन अमेजिंग मैन, ही इज़ एन अमेजिंग डायरेक्टर, और वो इतना कंफर्टेबल आपको कर देते हैं कि आपको आप शाय नहीं होते कुछ नया करने से, कुछ नया सोचने से. सो आई थिंक इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर टीम. बट आपने जब राजा राजा कर दी किया था तो आप ऑलरेडी काफ़ी प्रोजेक्ट्स कर चुकी थी. इट्स नॉट लाइक कि कोई पहला बड़ा, उसके उससे पहले ही आपके साथ काफ़ी हिट्स थे, आपको अवार्ड्स भी मिल चुके थे, राइट? तो जब राजा राजा कर दी तो काशिफ निसार की डायरेक्शन, दैट वाज द फर्स्ट, दैट वाज द फर्स्ट प्रोजेक्ट विद काशिफ निसार, लाइक, तो उससे क्या सीखा उनसे? एक आपने उसके बाद आपको क्या लगा कि आपके क्राफ्ट में क्या इम्प्रूवमेंट आई है आफ्टर बींग डायरेक्टेड बाई हिम? मतलब अगर एक एक्टर उनके साथ काम कर लेना तो उसका बड़ा मुश्किल हो जाता है किसी और के साथ काम करना. अब मैं इससे ज़्यादा क्या कहूँ. वो आपको, वो अपने एक्टर को इतनी स्पेस देते हैं कि वो खुद अपनी मर्जी से सोच सके अपने कैरेक्टर के लिए कि वो क्या करना चाहता है. उनकी ये सोच होती है कि यार मैं डायरेक्टर हूँ, ठीक है, लेकिन ये एक्टर है, ये अपने कैरेक्टर की स्किन में जितना ज़्यादा डीपली गया हुआ है, शायद ये भी एक नई चीज़ सोच सकता है. क्योंकि ऑफकोर्स डायरेक्टर का काम ही यही है कि वो इतने सारे कैरेक्टर्स को साथ लेके चल रहा होता है, सारी चीज़ें होती हैं, बट वो एक्टर को भी बहुत ज़्यादा अहमियत देते हैं. सो यू नो यू दैट इम्पोर्टेंस यू गेट ऑन हिज सेट, तो वो जो है ना आपको ज़रा सा बिगाड़ देती है और कॉन्फिडेंट कर देती है, और कॉन्फिडेंस भी आपको देती है, ताकि आप सोच सकें कि यार आप और क्या मज़ीद इनपुट अपना दे सकते हैं. क्योंकि डायरेक्टर तो बता रहा है कि ये करना है, मगर आप और मज़ीद क्या सोच सकते हैं. सो आई थिंक दैट. और माही, माही आप आंखों से बात करती थी, आप आंखों से बात करती थी, वजाहत हुसैन ने शूट किया ना. बट क्या उन्होंने ये दी थी आपको ब्रीफ? नहीं, बट आई थिंक ऑफकोर्स गाइडेंस उनकी थी कि इस तरीके से होना चाहिए और इस तरीके से हम कैरेक्टर की ग्राफ को लेके चलना चाहते हैं, या इस सीन में हमें इस तरह का पोर्ट्रे करना है कैरेक्टर को. सो इट वाज ऑलवेज देयर, ही वाज ऑलवेज देयर इन एवरी सीन. अच्छा जी, अगर आपके पास ऑफर आए, धड़कन की रीमेक हो रही है अक्षय कुमार के साथ, राइट, और टॉप गन की भी रीमेक हो रही है विद टॉम क्रूज, इकरा किसको हाँ बोलेंगी? ये दोनों इकरा के फेवरेट हैं. फॉरएवर अक्षय कुमार. सीरियसली ओवर टॉम क्रूज? नो, डू नॉट. फॉरएवर अक्षय कुमार, डू नॉट डू दैट प्लीज. हाय, धड़कन अक्षय कुमार इन धड़कन, कोई कोई तुम दिल की धड़कन हो वो वाला गाना, कोई नहीं जीत सकता उनसे. गॉड, आई होप अक्षय कुमार यू आर लिसनिंग टू दिस, इकरा अजीज, एंड आई होप यासिर इज नॉट लिसनिंग टू दिस. नहीं, आई होप यासिर इज थिंकिंग मैं धड़कन का कुछ यहां बनाता हूं. ही नोस, ही नोस, ऑफ कोर्स, ही इज लाइक ठीक है, चलो ठीक है. बचपन में साड़ियां बांध के आप दुपट्टे की साड़ी बना के डांस करती थी, कौन सा फेवरेट गाना था जिस पे बहुत ज़्यादा करती थी, पीछे ही नहीं छोड़? कभी कभी ऐसा होता है ना, एक फेज़ आता है कि आपके जहन पे एक गाना भी चढ़ जाता है, या एक कुछ एक फिल्म होती है आप उसको बार बार देख रहे होते हैं या सुन रहे होते हैं, कोई ऐसा था कुछ? बहुत सारे ऐसे गाने थे, हमेशा बॉलीवुड गाने थे. अच्छा. और हमेशा यू नो फुल बन के घूमना, साड़ी वाड़ी पहन के, शीशे में मेकअप करके, सब कुछ करके, चुन के ज़रा लंबा दुपट्टा निकालना, एंड यू नो डूइंग ऑल ऑफ दैट. बट आई थिंक देवर क्वाइट अ लॉट ऑफ सॉन्ग्स. कजरारे, ओह नाइस, बड़ा चुन के मैंने निकाले कजरारे. बट कजरारे, आजा नचले, मौजा ही मौजा, देवदास के गाने थे. सो तो देवदास में फिर आप ऐसे एक्शन भी करती थी? मैं सब करती थी, शीशे के सामने खड़े होकर. देवा, कभी अपने आप को रिकॉर्ड किया था? नहीं, उस वक्त तो ये थोड़ी सीन था, मतलब मैं इतनी भी खैर पुरानी नहीं हूँ, लेकिन नहीं, लेकिन मैंने, मेरे पास वो बड़ा सबसे पहला फ़ोन मेरा वो 3310 वाला था. हाँ, नोकिया 3310 था. उसके बाद मुझे और मेरी बेस्ट फ्रेंड को
शी वॉज माई चाइल्डहुड फ्रेंड, तो हम लोगों ने साथ पहली दफ़ा एक टच फ़ोन लिया जिसके बैक कवर्स चार साथ मिलते थे और वो चेंज होते थे, सो यू कुड चेंज द कलर्स. और फिर हमने पहली दफ़ा ये देखा कि अच्छा ठीक है, वाईफाई से कनेक्ट कर सकते हैं, मतलब यू डू नॉट नीड टू पुट एनी कार्ड, या बिकॉज आई हैव सीन माई सिस्टर डूइंग दैट, कि वो कार्ड लगता था और वो सारी चीज़ें होती थी. तो उस सब से हमने शुरू किया. तो उस टाइम पे मुझे इतना नहीं होता था कि रिकॉर्ड करना चाहिए अपने आप को या कुछ, बस मुझे ये होता था कि मैं शीशे में देख के कर रही हूँ. दिस इज अभी साड़ियों का शौक है बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा. मेरे पास एक पूरी कलेक्शन है साड़ियों की. मैं अभी श्रीलंका गई थी और माई हनीमून यासिर बॉट मी सो मेनी साड़ीज़, क्योंकि उनकी बहनें भी पहनती हैं. तो हमने मेरे लिए ली, उनकी बहनों के लिए ली, देन वी गॉट सम फॉर इमोजी एज वेल, अनवर मकसूद साहब की बेगम, उनके लिए ली. तो फिर हमने बहुत सारी. आप लोग सदर के एरिया में रहते थे, राइट? तो मैं सोच रही थी, वही खाने व्याने की बात हो रही थी, व्हाट वाज योर फेवरेट फूड टू गो, जब जब तक आप बोर नहीं हुई थी उससे पहले क्या, और रात को देर से जाके ऑर्डर करके मंगवा लेते थे फोन करके, क्या होता था? ये तो बड़ा एक्साइटिंग था, कोई सीन ही नहीं था, खुद जाके लेकर आती थी. हां, मैं खुद जाके लेकर आती थी. कितने मजे की बात है कराची में ये सोचना कि लड़की खुद जा रही है. असल में आपको पता है, व्हेन यू स्टार्ट लिविंग एट अ प्लेस जहाँ पे आप बंगले में रह रहे हैं या आप अपार्टमेंट में भी रह रहे हैं, शायद आपका इतना नहीं होता है कि आप जाके खुद कोई चीज़ जाके खरीद रहे हैं या कुछ. और आजकल का ट्रेंड भी बहुत ज़्यादा हो गया कि यू कैन यू नो ऑर्डर समथिंग, आ जाता है, डिलीवरी हो जाती है, सब कुछ हो जाता है, छोटी छोटी चीज़ें आ जाती हैं. मतलब मैंने तो मतलब रमज़ानों में नीचे जाना, झूले झूलना, बिकॉज वो एरिया इतना बिजी होता है. और वहाँ पर मतलब आए मतलब मेरी तो जिंदगी मेरी अम्मी वहाँ पे शादी होकर आई थी, देन माई दादी वॉज लिविंग देयर, सो वी वर लिविंग देयर फॉर ओवर 30 years. तो हमें सब जानते थे नीचे. तो मेरी दूसरी पिछली गली में, इट वॉज बंस रोड, तो पिछली गली में जो है वो हमारी एक और फैमिली रहती थी, अम्मी के अब्बू रहते थे, नाना रहते थे. तो पूरा वो जो एक एरिया था ना, वो सब जानते थे कि ये लड़की कौन है, इसके अब्बू कौन है, इसकी अम्मी कौन है, दादा कौन है, दादी कौन है. तो हम बड़े धड़ल्ले से नीचे जाते थे, बंस रोड तक जाते थे, स्ट्रीट फूड तक, और जाते थे, खाते थे. वहाँ पे देयर इज दिस फूड सेंटर की बिरयानी, वो मतलब आप मुझे दिन रात बिरयानी देते हैं, लेकिन जो वहाँ की बिरयानी है ना, वो मुझे बहुत पसंद. वो जाके आपका होता था, जाके लेती थी. और हम लोग वहाँ से बहुत सारी चीज़ें खाते थे. मतलब हम नीचे जाते थे, हम पिछली गली में जाते थे अपने अपने बोल्स लेके कि यार जाएंगे गोला गंडा इसमें लेकर आएंगे, वो डंडे या प्याली में नहीं चाहिए, वो कप्स जो उसके होते हैं डिस्पोजेबल. सो वी यूज टू टेक आर ओन बोल्स, बड़ा बोल लेकर जाते थे कि इसमें इतने का बना के दे दो. तो हम लोगों ने वो बहुत चीज़ें की हैं. मतलब आई एम सो थैंकफुल टू अल्लाह कि मैंने ये वाली ज़िंदगी गुजारी है. सो आई नो कि यार ये वाला फेस देखा हुआ है. आपको पता है कि हाउ टू बी अ स्ट्रीट स्मार्ट किड, एंड यू नो हाउ टू डील विद पीपल, एंड यू नो हाउ टू कंडक्ट योर सेल्फ व्हेन यू गो आउट इन अ क्राउड. सो दैट्स ओके. आपने खुद ही मेरे सवाल का जवाब दे दिया. मैं पूछने वाली थी कि सारे एक्सपीरियंस ने आपको क्या मतलब उसमें पर्सनैलिटी में अफेक्ट किया होगा, लाइक बहुत ज़्यादा, जैसे आप बहुत ज़्यादा. मतलब शाय होना एक अलग बात है, लेकिन जब आपको ऐसा मौका मिले या आप ऐसी जगह पे आके खड़े हो जाएं कि यार अब आपने कुछ बोलना है, कुछ करना है, आई एम नर्वस बट आई कैन डू इट. सो यू नो इट गिव्स मी दैट कॉन्फिडेंस. वो उधर से आया होगा ना, सीइंग ऑल ऑफ दिस. हाँ, मतलब ये देखना, ये करना, स्ट्रीट की लाइफ से आया होगा. एग्जैक्टली. तो फिर कैमरा फेस करना भी आसान हुआ होगा, इतना मुश्किल नहीं हुआ होगा. अच्छा, कैमरा फेस करना तो मेरे शुरू में सिर्फ मैंने जो पहली दफ़ा जिंदगी में, एक मेरा पहला TVC था, मेरी बहन मेरे साथ गई थी, और इट वॉज़ अ स्टॉप मोशन एड. तो मैं अकेली थी और मुझे सिर्फ एक्सप्रेशंस देने थे और सब करना था. तो मैं अकेली, कैमरा मेरे मुँह के सामने, एक टीम. तो मेरी बहन मेरे साथ थी, एंड आई स्टार्टेड क्राइंग. आई थिंक 146 स्टूडियो ही था, या आई थिंक इट वॉज सम ऑफ दैट स्टूडियो. तो मैंने ऊपर से नीचे देखा, मैंने कहा अच्छा ये इतने सारे लोग खड़े हुए हैं और सबकी नज़रें मुझ पर होंगी कि मैंने करना है ये. अच्छा ओके. मैं घबरा गई और मैं रोना शुरू हो गई. मैंने कहा आप ही, मैं नहीं कर सकते. आई वॉज आई थिंक 14. तो आप ही ने कहा नहीं, यू कैन डू दिस. आप ही ने मुझे समझाया, सब किया, एंड देन आई वेंट, आई डिड इट. उसके बाद से देयर वॉज नो टर्निंग बैक. उसके बाद से तो कैमरा खुलता है. यही तो मेरा दोस्त है. दैट्स सो नाइस टू हियर. इकरा, जब आप फेमस होना शुरू हुई या जब लोगों को पता चलना शुरू हुआ कि
आप एक्टिंग कर रही हैं या आप टीवी सीरीज कर रही हैं, तो जो आसपास नेबरहुड था, मोहल्ले के सारे लोग थे, हाउ डिड दे रिएक्ट? उनके लिए कैसा था और आपको कैसा लगता था कि अब वो जो आप जा रही हैं गोला गंडा लेने प्याले में, अब तो मैं इतनी अजीज हो गई हूँ? ऑफ कोर्स ये तो नहीं होता होगा, बट क्या प्रोसेस था? मुझे बड़े वो सोच के एक हो रहा था मुझे, चूंकि मैं सबके सामने पैदा हुई, बड़ी हुई, सब कुछ हुआ वहीं पे, ट्यूशन जाना, सो हम लोग बहुत सारा, हम लोगों का मिंगल रहता था कि हम लोग बात करते थे, मिलते रहते थे, एरिया में भी सब कुछ. तो मुझे कभी भी उन लोगों के सामने ऐसा नहीं हुआ कि यार ओके अब मैं शायद कुछ ऐसी बन गई हूँ. मेरा किसी के सामने नहीं होता, बट स्पेशली इन फ्रंट ऑफ देम इफ़ यू टॉकिंग अबाउट पर्टिकुलरली, तो मेरा कभी भी मैंने नहीं सोचा यार कि अब मैं तो टीवी पर आती हूँ, लोग मुझे देखते हैं, इतना प्यार करते होंगे ना, उनकी एक्साइटमेंट, उनकी एक्साइटमेंट तो बहुत ज़्यादा वो ही, दे वर सो एक्साइटेड, दे वर सो हैप्पी, दे यूज टू टॉक अबाउट इट कि अच्छा यार कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, मतलब क्या होता है वहाँ पे, दे वॉन्टेड टू नो कि हाउ इज़ द लाइफ, कि मतलब आप वहाँ जाते हो तो कैसा होता है काम, कैमरे पे कैसे बोलना होता है, अच्छा ये सब एक साथ होता है. अभी भी, आज भी मुझसे कभी कभी कुछ लोग पूछते हैं कि अच्छा ये पूरा एक ही साथ शूट होता है, अच्छा कैसे शूट करते हैं ड्रामा, अच्छा जब बोलते हैं तो वो वहाँ पे होते हैं, मतलब यू नो दे वॉन्ट टू नो. सो देव ऑलवेज बीन क्यूरियस, देर हैप्पी, वेल विशर्स, हमेशा दुआएं देना कि यार दे वर प्राउड ऑफ द फैक्ट कि यार हम इस बच्ची को जानते थे, बिल्कुल बिल्कुल, और अब देखो शी हैज डन समथिंग फॉर हर सेल्फ. तो आई हैव ऑलवेज बीन सो लव्ड उनकी तरफ से कि मुझे और ज्यादा कॉन्फिडेंस मिलता था कि नहीं यार, और स्टोरी है कोई सुना सकती, कभी कुछ हुआ, किसी ने कुछ कहा या कोई किस्सा हुआ हो? किस्सा ही देखिए, मैं भी आपको बता रही हूँ, किस्सों में बहुत बुरी हूँ मुझे सोचना पड़ेगा. नहीं, किस्सा ऐसा तो किस्से हमेशा होते हैं, मतलब जैसे हम वहाँ पे बहुत अरसे बाद वहाँ से मैं शिफ्ट हुई थी, तो आई थिंक कितना टाइम होगा, 3-4 years कि मैं वहाँ से शिफ्ट हुई हूँ. तो मैं वहीं पर थी और हमेशा जैसे हमारे बिल्डिंग के एक चौकीदार है, चौकीदार तो नहीं है, मतलब He's like an all-rounder. तो अम्मी ने उसे अपने बचपन से देखा है, तो मुझसे भी वो पहले के हैं. तो इतने वो हेल्पफुल थे कि जब उन्हें पता चला कि अच्छा जी ये काम हो रहा है सब कुछ, तो आई हैड दीज ह्यूज लगेज बैग्स जिसमें सामान होता था ड्रामों का और वो सब कुछ, तो मैं हमेशा उठा के ऊपर, आई यूज टू लिव ऑन द सेकेंड फ्लोर, तो ऊपर लेकर जाना, नीचे लेकर आना. अम्मी बहुत डांटती थी कि नहीं उठाया करो ये सब कुछ, मैं बोलती थी नहीं नहीं मैं उठा लूँगी, तो वो सब मैं करती थी. बट देन ही वॉलंटियर्ड कि नहीं यार जब आप जाया करो सुबह तो मुझे बताया करो, आप मुझे कॉल कर दिया करो, मैं आपका सामान रख दूंगा, तो आपको ज़रूरत नहीं है ये आप उठा उठा के ला रही हो और लेकर जा रही हो. तो यू नो दैट वाज द थिंग कि यार आप खुद वॉलंटियर कर रहे हो किसी की हेल्प करने के लिए, बिकॉज प्रॉब्ली यू थिंक दैट यू नो यू आर प्राउड ऑफ इट कि आई एम डूइंग समथिंग, आई एम मेकिंग अ डिफरेंस. तो इस तरह की बहुत चीज़ें हैं. दैट्स सो नाइस टू हियर. मदरहुड, How's Kabir? Kabir is absolutely fine, alhamdulillah. डर लग रहा था जब when you were pregnant and you were about to have Kabir. कभी कभी ऐसा होता है ना, couples को होता है कि यार, especially मैंने सुना जिनकी love marriage होती है कि वो तीसरा कोई आ जाएगा या कुछ, as a mother to be also, you know, कुछ apprehensions थी इकरा की? मुझे लगता है कि हर किसी की pregnancy बड़ी different होती है, हर किसी की journey बड़ी different होती है, हर इंसान मुख्तलिफ होता है, तो उसके सोच भी मुख्तलिफ होती है. आई हैड अ वेरी स्मूथ थिंग, तो मतलब मैंने तो किसी को तंग नहीं किया ना, किसी को मैंने कोई परेशान नहीं किया, बस हाँ पता चल गया अच्छा प्रेगनेंट हूँ, अच्छा हाँ पता चल गया बच्चा भी हो गया, ओके. कुछ किसी को कोई मसला नहीं हुआ. बहुत एंड टाइम पे आई स्टार्टेड पोकिंग यास, लाइक यास मुझे ये खाना है, मुझे ये खाना. आई यूज टू लिटरली वॉच सारे यूट्यूब पे ना एंड में खाने जो बन रहे होते थे कि क्या हो रहा है ये बन रहा है, तो मैं ढूंढ के निकालती थी. मैं बोलती थी लालू खेत में वो बिरयानी वाला है, मुझे वो खानी है, मुझे वो खानी है, और फिर कहाँ पता नहीं वो कहीं मुझे अंदर लेके चला गया और फिर हमने वहीं बैठ के कोई नली बिरयानी खाई. अस लाइक आई डोंट केयर, मुझे गरम गरम यहीं पे खानी है नली बिरयानी. कहता है दो लोग देख रहे हैं, पता नहीं गलियों से कहाँ गए. हम अपने वो गैम्बो को पग को भी साथ लेके चले गए, सो ही वॉज ऑल्सो विद अस. तो मैंने कहा नहीं नहीं मुझे कोई मसला नहीं, हमें यहीं खानी है. सो इट खैर, कमिंग बैक टू द पॉइंट व्हाट यू आस्क्ड, जो डर और उस चीज़ से रिलेटेड है, मुझे नहीं लगता मुझे इतना था, बिकॉज मुझे हमेशा से ना शादी करने का बड़ा शौक था. अच्छा मुझे यू नो
बच्चा भी पैदा करने का बड़ा शौक था. आई एम सेइंग दिस वेरी प्राउडली. आई लव यू फॉर योर ऑनेस्टी. इट्स गुड. मुझे और सब लड़कियों को होता है, सब लड़कियों को होता है, कोई माने ना माने, शादी करने का तो सबको शौक. और शादी करने का और बच्चा होने का भी मुझे बहुत शौक था. आई हैव ऑलवेज लव्ड किड्स. मतलब आप मुझे बचपन से ही, मैं हमेशा बच्चों के आसपास, आप मुझे किसी का भी बच्चा दे दो, मैं हमेशा उसको इतने प्यार से, मुझे बस बच्चे बहुत पसंद थे. तो मुझे डर नहीं था, बल्कि हम तो इंतज़ार कर रहे थे, कबीर लेट ही हो गए थे. सो वी वुड लाइक, इतना इरिटेटिंग हो रहा होगा ना. हाँ, हम क्यूरियस थे, हम वेट कर रहे थे, हम कह रहे थे यार अब आ जाए, आ जाए, आ जाए. या सो लाइक यार आ ही नहीं रहा है, क्या होगा. मेरे कहा अल्लाह की चीज़ है, अब आएगा तब आएगा. तो बहुत अजीब सी सिचुएशन थी, वियर्ड भी कह सकते हैं आप, लेकिन डर तो बिल्कुल नहीं था. ओके. आई वाज हैप्पी. आई वाज वेरी हैप्पी. कबीर की सबसे पहली मेमोरी क्या है आपके जहन में? बहुत सारी हैं, लेकिन मेरे पास उसकी एक वीडियो है कि अभी आई थिंक ही वाज अ डे ओल्ड, डे भी नहीं, कुछ घंटे हुए थे, शायद 1-1.5 बजे ही वाज बॉर्न, और शायद शाम के 7 बज रहे थे या कुछ. तो उसकी हमने एक वीडियो बनाई, तो वाज लाइक ऐसे देख रहा है जैसे मैं कहाँ आ गया हूँ, मैं इतना सुकून में था. Where have you guys brought me? Where am I? क्या हो रहा है ये? तो वो जो एक वीडियो है और जो उसके एक्सप्रेशंस थे ना, I can never forget that. Yeah, तो looks like you. मैं देख रही हूँ, मुझे लग रहा है कि you know I can see the mom. Really? Thank you. I can see the love of mom. क्योंकि जब हम इस्लामाबाद में मिले थे अभी recently, तो इकरा मुझे लगनी थी बड़ी ना प्रैक्टिकल किस्म की मॉम है, और बातें भी हमने एक दो की. तो मैं, मेरा सवाल नेक्स्ट यही था कि आर यू अ प्रैक्टिकल मॉम, और अगर हैं तो वो इसलिए हो गई है क्योंकि आपकी काम की नेचर ऐसी है कि यू हैव चोजन टू बी अ प्रैक्टिकल मॉम. जैसे मैं बात भी करी थी ना कि आप जाती हैं तो थोड़ा वो होता है, या वो आपको, तो यू लाइक नहीं मैंने रखा हुआ है ताकि मुझे लॉन्ग टर्म कभी भी मसला नहीं फेस करना पड़े, मेरा काम ऐसा है. यार मैं बहुत प्रैक्टिकल हूँ. वैसे अभी जो बातें बताई थी उससे मुझे प्रैक्टिकली, मुझे तो इमोशनल साइड नजर आई. इमोशनल में हूँ, इमोशनल में हूँ, लेकिन मैं ऑफ कोर्स कौन नहीं होता, लेकिन फिर भी मैं ना जरा दिल पे पत्थर रख के अपनी इमोशनल साइड को, और वो जो भी एक चीज़ होती है ना कि आपका दिल करता है कि आप अपने बच्चे को उठाओ, दिल के करीब रखो, आर्म्स में रखो, कडल करो, ये करो, वो करो, मेरा बहुत ज़्यादा दिल करता है. बट आई हैव हिज कॉट इन माई रूम फॉर एग्जाम्पल, तो मेरा बहुत दिल करता है कि अच्छा ओके आप सो जाऊँ मैं इसके साथ, ऐसे ऐसे हग करके. नाउ ही इज़ अ बिट ओल्ड, तो हग भी कर सकते हैं, कुछ डर नहीं लगता, तो दिल करता है कडल करके सो जाऊँ. लेकिन फिर मैं बोलती हूँ नो, ही नीड्स टू हैव हिज ओन बेड. सम पीपल वुड थिंक कि यार ये कैसी माँ अपने बच्चे को अलग कर रही है. बहुत सारे जजमेंट्स होते हैं, सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन मैं हमेशा इस चीज़ को साइड पे कर देती हूँ कि अच्छा ठीक है, जो जैसा सोच रहा है वो सोचता रहे. मुझे देखना है कि मेरी लाइफ, मेरी रूटीन के हिसाब से मुझे अपने बच्चे को किस तरीके से रखना. बिल्कुल, बिल्कुल. अभी भी जैसे मैं शूट्स पे जाती हूँ तो अम्मी बोलती है बेटा आपको, मतलब आई एम सो हैप्पी एंड ब्लेस्ड कि मेरी मामा ऐसी हैं, मेरी अम्मी ऐसी हैं कि मुझे ये चीज़ें बताती हैं, समझाती हैं. अम्मी बोलती हैं बेटा आपको गिल्टी फील करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज यू ऑलवेज हैव दैट मॉम गिल्ट. यू व्हेन यू लीव योर किड समवेयर एंड गो टू वर्क, यू हैव दैट गिल्ट कि यार मैं अपने बच्चे को छोड़ के जा रही हूँ, एम आई अ गुड मॉम और नॉट. एंड आई स्टार्टेड वर्किंग आफ्टर लाइक कबीर 1 महीने का भी नहीं हुआ था, एंड आई स्टार्टेड वर्किंग अगेन. तो मुझे तो बहुत शुरू से ये होता था. तो अम्मी कहती थी बेटा आपको इस तरह की कोई चीज़ सोचने की ज़रूरत नहीं है. दिस इज़ योर करियर, दिस इज़ योर वर्क, यू हैव वर्कड सो हार्ड फॉर दिस, और मैं हूँ और आप बहुत अच्छा कर रही हो आप जो भी कर रही हो. सो यू डू नॉट हैव टू फील गिल्टी कि यार मैं अपने बच्चे को छोड़ के जा रही हूँ, अपना काम कर रही हूँ. नहीं, वो आपसे ये सीखेगा कि आप इंडिपेंडेंट हो, यू हैव वर्कड हार्ड, यू आर अ वुमन, बट यू हैव वर्कड सो हार्ड, यू हैड अ फैमिली, आपने अपने काम को भी संभाला, तो आप एक रोल मॉडल हो, आपको गिल्टी फील करने की कोई ज़रूरत नहीं है. तो वहाँ से बड़ी स्ट्रेंथ आ जाती है आपको, तो आप बहुत सारी चीज़ें कर लेते हो. तो यही स्ट्रेंथ फिर मुझे मज़ीद मेरी प्रैक्टिकलिटी में मिलती है कि यार मुझे बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं. जैसे कबीर जब पैदा हुआ था तो किसका दिल नहीं करता कि वो अपने बच्चे को उठाए, तो मेरा भी बहुत दिल करता था, मगर मैं इतना शो नहीं करती थी क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि कॉन्फ्लिक्ट हो जाए जो मैं बात कर रही हूँ और जो मैं शो कर रही हूँ उसमें. तो मैंने सबको बड़ा बोला था कि इसको गोद में नहीं उठाना, इसको गोद में नहीं उठाना. गोद की ऐसे भी आदत पड़ जाती है, ये भी होता है कि गोद में नहीं उठाना, यहाँ पर है
बेड पे लेटा हुआ है, नाउ प्ले विद हिम, लव हिम एज मच एज यू वॉन्ट, जो भी करना है. तो ज़रा सा थोड़ा सा था सबको, मुझे भी होता था, अम्मी को भी होता था, अम्मी भी लेती थी तो मैं अम्मी को भी बोलती थी. लेकिन कुछ अरसे बाद मुझे सुनने में आया कि नहीं यार, आपने जो किया आपने बिल्कुल सही डिसीजन लिया. एट दैट टाइम वी वर लाइक क्या कि ये थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा स्ट्रिक्ट हो रहा है, ये क्या है, हमें बच्चा उठाना है, वी लव किड्स एंड ऑल. लेकिन फिर उन्हें बाद में समझ आया कि नहीं यार ये सही चीज़ थी. और आप यकीन जाने ये सब मतलब मेरे आसपास ऐसा कोई भी नहीं है, नॉट इवन माय सिस्टर, मेरे कजन्स या मेरे दोस्त हों जिनके बच्चे हुए हों, जिनका मैंने ये सब कुछ देखा हो और फिर सीखा हो. मैं एक दिन सोच रही थी, मैंने कहा यार ये सब मैंने कहाँ से सीखा है, मेरे आसपास तो कभी किसी का बच्चा नहीं हुआ और मैंने देखा हो और ये सब किया हो. एंड जस्ट केम टू मी नेचुरली कि दिस इज हाउ आई वॉन्ट टू रेज माई किड. बट इट्स इंटरेस्टिंग इकरा, बिकॉज आई फील कि नॉट ओनली लॉन्ग टर्म में वो आपके लिए, आपके बच्चे के लिए भी अच्छा है. बिकॉज इट्स नॉट लाइक आपने बिल्कुल उसको इग्नोर किया हुआ है, बट आप एक उसको भी आदत डाल रही हैं, प्यार भी है लेकिन थोड़ा सा डिस्टेंस भी है कि उसको भी आदत है कि माँ काम के लिए जाती है, बट माँ इज़ ऑलवेज देयर फॉर मी एंड नानी तो है, यू नो. मुझे और मुझे ये भी होता है कि ही शुड अंडरस्टैंड दिस कि यार मेरे अब्बू भी जा रहे हैं, ठीक है, अब्बू के लिए आपके बच्चे आर ऑलवेज ओके कि हाँ यार अब्बू ने तो जाना ही है काम पे. तो सही है, नहीं नहीं अब्बू ने तो जाना ही है काम पे, कि ये टाइम है, मंडे हो गया है, अब्बू ने काम पे जाना है, चाहे आप ऑफिस से रिलेटेड हो या किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो. सो आई थिंक यहाँ पे जहाँ पे यासिर और मैं दोनों काम करते हैं, तो आई थिंक इट्स ओके कि मैं अपने बच्चे को ये भी चीज़ सिखाना चाह रही हूँ कि यहाँ पे आपकी माँ भी काम पे जाती है. इट्स अ ग्रेट आइडिया एंड यू हैव योर नानी एंड एज सून एज आई मतलब ऐसी बहुत सारी चीज़ें, जैसे कल रात को मैं पूरा वक्त नहीं सोई हूँ बिकॉज कबीर वॉजन्ट वेल, सो ही वॉज लाइक ई ई ई, तो आई वॉज ऑल अप और फिर सुबह मैं ऐसी थी, मैंने कहा ओके आज इंटरव्यू है. तो इस तरह की बहुत रातें होती हैं और आप ये बिल्कुल हंसते खेलते कर देते हो, आपको कोई मसला नहीं होता, यू आर स्मूथली डूइंग इट ऑल एंड यू आर जस्ट, क्योंकि वो आपका बेटा है, आप यू लव हिम, हां अच्छा है, और आई थिंक ये नेचुरली आता है बिल्कुल. तो ये सारी चीजें हैं जो मैं उसके लिए कर रही हूँ. इट्स नॉट लाइक आई एम यू नो टेकिंग ऑल ऑफ दिस फॉर ग्रांटेड और फिर मैं उसको वो भी प्रैक्टिकलिटी भी सिखा रही हूँ, तो मैं ये नहीं कर रही. आई एम व्हेनेवर आई गो आउट ऑफ द हाउस, स्टेप आउट ऑफ माई हाउस, मेरी सारी चीज़ें ये भी होती है कि अच्छा मामा ये आपको सब मैंने करके दे दिया है, मेरे बाद जो अब आपको करना पड़े वो एक अलग बात है, बट हेयर आई एम, आई डिड एवरी थिंग फॉर यू, इट्स ऑल सेट, नाउ आई एम गोइंग फॉर द शूट, ओके बाय बाय. एज सून एज आई कम, रात के 3 भी बज रहे हों, आई वेंट फॉर अ टी वी सी, तो रात के मैं कोई 3-4 बजे आई, आई वाज लाइक मामा आप मुझे दे दो, हाँ इवन इफ यू स्लीपिंग इट्स ओके आप मुझे दे दो, क्योंकि मुझे अम्मी का भी होता है कि यार चाहे जितना भी हो, एंड देन आई want to take that responsibility. I of course do not want to have that mom guilt, yaar kaam karke aa gayi hai thodi si neend puri kar, nahi nahi aap mujhe de do. Do not want to say it's very challenging, it's a very confusing thing. But I think you've said it so beautifully ki wo mom guilt ko kitna bhi kare wo kahin na kahin hoti hai, but it's also because you want to, I would not call it guilt, you know, because our mind of course kaam bhi kar rahi hai, and I think it's quite challenging for working moms, you know. It is. Acha mujhe bataye perspective change hua hai किसी तरीके से इकरा का आफ्टर बिकमिंग अ मॉम? बहुत ज़्यादा. कैसे? सबसे पहले तो आप अपनी ज़रूरतों से पहले आप अपने बच्चे को देखते हैं कि यार इसकी क्या ज़रूरत है, इसकी क्या प्रायोरिटी है, हमने इसको देखना है कि इसकी जो भी चीज़ है दैट कम्स फर्स्ट एंड देन ठीक है वी प्लान समथिंग. तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं. आई थिंक आई हैव बिकम मोर पेशेंट, I think I've become more calm, I've become more loving. that is how I can phrase this. But main pehle bahut jo hai na jazbati hoti thi, I used to get very angry at points. Really? I was like way too rebellious. To abhi nahi lag raha aapko, lekin to main bahut is tarike ki thi, but after having Kabir I've just, you know, main bahut calm ho gayi hu ki main har cheez ko bahut tameez se soch ke handle karti hu. कबीर के आने से फर्क पड़ा है बहुत ज़्यादा. बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग. तो चॉइस ऑफ स्क्रिप्ट भी अब अफेक्ट होगा कबीर की वजह से, यू थिंक यू वांट टू टेल डिफरेंट स्टोरीज नाउ और बी अ लिटिल बिट मोर केयरफुल अबाउट व्हाट रोल्स आप चूज करेंगी या नहीं? नो आई थिंक व्हाट आई हैव इन माई पर्सनल लाइफ, आइदर इट्स माई हस्बैंड या मेरा बच्चा या जो भी है,
वो मेरे करियर या मेरे काम के बीच में नहीं आता. इट डजंट अफेक्ट हु आई एम एज एन एक्टर. वो एक अलग मेरी लाइफ है, दिस इज डिफरेंट. तो जो जो मेरा शुरू से हमेशा एक टारगेट, एक एम था कि यार एज एन एक्टर आई नीड टू चूज डिफरेंट स्क्रिप्ट्स, और एक ऐसी स्क्रिप्ट्स जो कोई मैसेज पहुंचा सकें, किसी की ज़िंदगी बेहतर कर सके तो करें. तो कोई ऐसी चीज़ होनी चाहिए जो सिर्फ एक रोती धोती बहू ना हो, तो कुछ एक अलग, एक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर हो. एक मतलब बिकॉज आई कम फ्रॉम अ फैमिली के अब मैंने इतनी चीज़ें देखी हैं, मैं नहीं चाहती कि मैं उसका बिल्कुल उलट ही लोगों को पोर्ट्रे करूं. खुद मैंने क्या देखा है ज़िंदगी में और मैं लोगों को क्या दिखा रही हूं कि यार यही मज़लूम चीज़ है, इसी से आपने गुजरना है और इसी से गुजर के तो औरत स्ट्रॉन्ग बनती है. नहीं, देर आर सो मेनी अदर थिंग्स जो आपकी ज़िंदगी को शेप करते हैं. सो आई वॉन्ट टू टेल एवरी थिंग, आई वॉन्ट टू टेल एवरी स्टोरी दैट कम्स बाई वे जो मुझे लगे कि यार हाँ ये होना चाहिए. अगर मैं कहूँ यासिर को एक गाना डेडिकेट कर दें तो कौन सा गाना होगा? अब गुनगुना भी दीजिएगा थोड़ा. ओहो क्या बात कर दी आपने. मैं नहीं चाहती इसके बाद तो मैं बिल्कुल भी ही क्या पता कश्मीर बीच से ऑफर आ जाए. नहीं नहीं बिल्कुल बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं. मैं स्टूडियो नहीं नहीं. ओफ खुदाए आपने तो बहुत ही बड़ी बड़ी बात पहुंचाती. नहीं मैं एक जगह गुनगुनाती सुना है एक शो में आपको हल्का सा सिंगर भी नहीं हूँ यार. देयर इज दिस वन सॉन्ग साइबो, एक इंडियन सॉन्ग है. और हाँ और आई थिंक एक ले डूबा. साइबो तो थोड़ा सा सुना दे. साइबो साइबो तो यासिर का फेवरेट है, वो खुद सुन लेगा. आप भी सुन लीजिएगा, आप भी पीछे से किसी को हम लगा देते हैं. काश आई वुड सिंग. अच्छा इफ आई टेल यू कि आंखें बंद करें यासिर को सोचें और फिर गा दे. नहीं नहीं फिर पहली लाइन जो आती है ज़हन में कि ये काम था नहीं हुआ या यू आर मिसिंग हिम व्हाटएवर यू नो लाइक क्लोज योर आईज इमेजिन हिम व्हाट द फर्स्ट लाइन जो ज़हन में आ रही है इस वक्त जो यासिर को आप कहना चाह रही हूँ. आंखें भी बंद करने की जरूरत नहीं. Now we have to see dramatics create kari thi main. Oh, actually maine aankhein band kar di. Maine I miss you yaar. No, actually I miss him. He's in Islamabad shooting, yeah. So I'm like okay. Now mujhe teen cheeze bataye Yasir ki as a husband that you really appreciate and jo aap logo ke sath share kar sakti hain for all the men out there jo aapko sun rahe hain jo in cheezon ko aapko lagta hai ki सुन के या इनको देख के और बेहतर हस्बैंड बन सकते हैं यू नो या रिलेशनशिप्स को इम्प्रूव कर सकते हैं. सबसे पहले तो ही इज़ वेरी रिस्पेक्टेबल टूवर्ड्स वेमेन. उनकी खुद की माशाल्लाह से 9 बहनें हैं. तो ही नोज़ हाउ मच इट मैटर्स टू अ वुमन कि यार आप उसकी इज्जत करें, उसकी जो ज़रूरतें हैं उसका ख्याल रखा जाए और उस पर आपने हावी नहीं होना. चूँकि आप एक मर्द हैं आपने उसके साथ खड़ा होना है और वो जो भी कर रही है उसमें आपने बस उसके साथ खड़ा होना है और उसकी मदद करनी है इफ़ शी नीड्स इट. इट्स नॉट लाइक कि हाँ मैं खड़ा हुआ यहाँ पे तुम्हारी मदद करने के लिए. नहीं, जब जहाँ मैं कहूँ कि हाँ यार शायद यहाँ मुझे किसी के सपोर्ट की ज़रूरत है या कोई चाहिए तो ही इज़ ऑलवेज देयर. देन ही इज़ एन अमेजिंग फादर. यासिर को ना हमेशा से उसने कभी भी छोटे बच्चे नहीं उठाए, बहुत डर लगता है उन्हें. तो मुझे हमेशा से ये डर था कि यार जब कबीर होगा तो क्या होगा बिकॉज आई नेवर सीन हिम होल्ड एनी किड. तो मुझे था कि यार पैदा होगा, छोटा सा होगा, न्यू बॉर्न, क्या होगा क्या नहीं होगा. ही हेल्ड हिम. आई होप मतलब आई एम श्योर वो एक अलग फीलिंग होती है जब कोई मतलब जो अपना बच्चा होता है उसकी तो अलग शायद बात होती होगी. लेकिन उठाया, सब किया, फिर मुझे ये था कि अच्छा हाँ उठा लिया ठीक है, बाकी तो आई एम श्योर मदद शायद इतनी नहीं होगी. मतलब आई वॉजन एक्सपेक्टिंग दैट, बट मुझे ये था कि चूंकि डर लगता है तो थोड़ा सा डिस्टेंस रखें. शायद ये हो कि यार ये बहुत नाजुक है, मैं इसकी कैसे इसको टच करके इसके कपड़े या कोई पैम्पर वैम्पर चेंज कर सकूँ. बट ही डिड इट. उनका शूट शुरू हो रहा था तो वी हैड अ चैट के अच्छा ठीक है यू कैन प्रॉब्ली स्लीप इन अनदर रूम फॉर द नाइट ताकि आप अगले दिन फ्रेश शूट पे जा सको. एंड ही वाज डायरेक्टिंग, इट वाज हिज फर्स्ट प्ले. तो मैं ये नहीं चाहती थी कि यार आपकी रात की नींद नहीं पूरी हुई हुई और आप फ्रेश नहीं हो और आप जा रहे हो काम करने के लिए एंड एज अ डायरेक्टर यू हैव टू बी वेरी क्रिएटिव. तो आप इतना कुछ कर रहे हो आप कैसे करोगे. तो ही डिड नॉट मूव, ही वॉज देयर. बीच बीच में उसकी आँख खुलती थी,
कबीर उठता था हर 2 घंटे में, 1.5 घंटे में, तो उनकी आँख खुलती थी हमेशा, उठते थे हर 2 घंटे, अच्छा तुम उठी हुई हो, ओके अच्छा तुम उठी हुई हो, अच्छा तुम उठी हुई हो. सो ही वाज पार्ट ऑफ द प्रोसेस, ही वाज पार्ट ऑफ द प्रोसेस, ही वाज ऑलवेज देयर, ही सपोर्टेड मी सो मच. फिर इतनी दफ़ा, एक दफ़ा हुआ कि बहुत एक पैच हो गया कि मेरी नींद नहीं पूरी हो रही थी, तो मैं सुबह सोई रही एंड ही वाज लाइक यू स्लीप आई डू इट. ही चेंज द पैम्पर, ही चेंज द क्लोथ्स. तो मैं ये थी यार कि मतलब इट्स नॉट लाइक आई हैड सम वेरी हाई एक्सपेक्टेशंस कि यार कुछ नहीं हो पाएगा. नहीं, ही डिड इट ऑल एंड ही डिड इट वंडरफुली. मतलब इतना कि मतलब कि जैसे कोई बात ही नहीं है. ही वॉज ऑलवेज देयर, ही वॉज सो सपोर्टिव. तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि एक बंदा जो 12 घंटे की शूट पे जा रहा है, ऑफिस टाइमिंग्स आर लाइक 8-9 आवर्स आई थिंक, तो एक बंदा जो उससे भी ज़्यादा घंटे काम कर रहा है, अगर वो भी अपनी वाइफ की मदद कर सकता है एक बच्चे को संभालने में, तो फिर आई डोंट थिंक एनी ऑफिस गोइंग मैन हैज एनी रीजन के यार कि मैं ऑफिस जा रहा हूं तो तुम बच्चे का, मैं बच्चे के साथ सपोर्ट नहीं कर सकता. हाँ, ही कैन नॉट डू इट. ओके, तो जब ये बंदा कर सकता है तो आप क्यों नहीं कर सकते? और एक बंदा जिसको बच्चा उठाते हुए डर लगता है, वो जब कर सकता है तो यू कैन डू इट टू. तो आई थिंक ही इज अ फुल पैकेज जो मुझे मेरी माँ की दुआओं की वजह से मुझे मिली. तीसरी चीज रह गई, एक दो चीजें बताइए. तीसरी चीज है, अच्छा तीसरी चीज कोई आ रही है तो वरना हम आगे भी मूव करते हैं. हां, व्हेनेवर वी गो आउट ही नेवर लीव्स मी. ओके, मैं बहुत नो यू नो मैं बोल रही थी, मैंने अभी देखा था, मैंने लिखा अपने नोट्स में, जब भी मैंने देखा है ना यासु इकरा को, यासु ने इकरा का हाथ पकड़ा होता है और इकरा पीछे पीछे पीछे, बिकॉज हर बार ना इवेंट्स हो रहे होते हैं तो दे आर वॉकिंग वेरी फास्ट, क्योंकि ऑफ कोर्स मेरे जैसे बहुत से और बहुत से लोग नहीं, खेल रहे होते हैं, तो वो जा रहे हैं और ही इज होल्डिंग हर हैंड एंड दे आर बोथ स्माइलिंग. इधर मुझे इतना स्वीट लगता है, इतना प्यारा लगता है. अच्छा, इवेंट्स के अलावा भी, क्योंकि ही हैज मोर फ्रेंड्स इन द इंडस्ट्री. मैं तो यासिर के साथ मैंने बाहर जाना शुरू किया और लोगों से मिलना शुरू किया, वरना तो मैं ऐसी होती थी शूट पे जाना, शूट से वापस घर, बस ये जिंदगी है. एक्टिंग कर ली, इससे ज्यादा और क्या चाहिए. तो नाउ आई गो आउट विद हिम, और हमारे घर पे भी जब कुछ होता है तो ही इज ऑलवेज देयर विद मी. Nice. और अगर नहीं होता तो मैं थोड़ी देर बाद कॉल करके फिर ही लाइक ओके आई एम हियर, आई एम कमिंग. तो हम दोनों एक दूसरे के साथ एकदम चिपके हुए होते हैं, सो वी नेवर लीव ईच अदर. अच्छा, मैं शादी से रिलेटेड आपसे कुछ बातें पूछना चाह रही हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि ये जो नई जनरेशन है आप लोगों की एज, आपसे छोटी लड़कियाँ जो हैं, बहुत नेगेटिव फीलिंग्स आना शुरू हो गई हैं लड़कियों में शादी के बारे में, बिकॉज उन्होंने अपने आसपास ऐसी एग्जांपल्स देखी हैं कि उनको लगता नहीं है कि वो भी वही कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहती हैं जो उनकी यू नो फैमिली में पहले औरतों ने की हैं. तो क्या लगता है आपको, शादी एक प्रैक्टिकल डिसीजन होना चाहिए या मोहब्बत शुड बी द मेन डिसीजन मेकिंग फैक्टर जब आप किसी से शादी करने का सोच रहे हो? आपने कितना बैलेंस आउट किया था या कितना? इट वाज ऑल लव फ्रॉम माय साइड, इट वाज ऑल लव. मगर तो अगर शादी के बाद इट द प्रैक्टिकलिटी केम आफ्टर द शादी. मतलब जैसे जब आप शादी करते हैं तो आपको एहसास होता है और आपको पता चलता है कि ओके अब आप एक फैमिली में गए हैं. यहाँ पे आपने, ज़रूरी नहीं है कि हर कोई आपके मिजाज के हिसाब से चले, आपको भी कभी किसी के मिजाज के हिसाब से चलना पड़ेगा. सो इट्स नॉट ओनली योर हस्बैंड, ऑफ कोर्स यू जस्ट मैरिड योर हस्बैंड. मुझे वो वाला कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आता कि नहीं आपने सिर्फ लड़के से नहीं शादी की, आपने पूरे घर से शादी की है. देयर इज नथिंग लाइक दैट, आई डू नॉट सपोर्ट दैट. बट कहीं कहीं होता है कि कुछ आप कदम आगे बढ़ाएंगे, कुछ वो कदम आगे बढ़ाएंगे. तो ये नहीं हो सकता कि हर कोई आपके हिसाब से चले. तो ये एक बड़ी प्रैक्टिकल सोच होती है जो कि आपको सीखनी पड़ती है, और ये शादी के बाद आपको करनी भी पड़ती है. ये ज़रूरी है बहुत. और मुझे लगता है कि आजकल वो इतना वो तेज़ हो गया है ज़माना एंड रिलेशनशिप्स एंड दिस सोशल मीडिया एंड एवरीथिंग, कि मुझे नहीं लगता किसी के पास पेशेंस इतना रहा है कि वो एक रिलेशनशिप से कमिट रह सके. तो प्रॉब्ली इसीलिए शायद लोगों को इतना डर लगता है कमिटमेंट से, कि यार कमिटमेंट लाइक पूरी ज़िंदगी कमिटमेंट के इस बंदे के साथ रहना एंड ऑल ऑफ दैट. सेम गोज फॉर किड्स एज वेल. तो उस सब के लिहाज से मुझे फिर भी लगता है कि यार अगर आपको
कोई ऐसा बंदा मिले, ये भी बहुत मैटर करता है. इस सब के साथ साथ ये भी बहुत मैटर करता है कि आपको कोई ऐसा इंसान मिले जिससे आपको फीलिंग आए कि यार हाँ, ये वो बंदा है जिसके साथ मैं पूरी ज़िंदगी गुजार सकती हूँ. नेवर एवर स्किप दैट. बट ये फीलिंग कैसे आ सकती है इकरा, किसका पता चलता, हाउ डू यू नो कि ये टेम्प्ररी मोहब्बत नहीं है, क्रश नहीं है, या ये दो महीने का कुछ, यू नो, व्हेन एवरीथिंग हैपेंस इन अ फ्लो. जब आप किसी चीज़ को पुश नहीं कर रहे होते, आप बस नियत करते हैं. नियत भी बहुत बड़ी एक बात होती है. नियत ये होती है कि आपने अपनी शादी की नियत रखनी है. कि यार ये बड़ी इंटरेस्टिंग आपने डिफरेंट बात बोली है. हाँ, मतलब मैंने नियत रखी हुई थी कि हाँ, मैंने शादी करनी है और इस बंदे से करनी है, अब जो भी मेरे हक में बेहतर है वो हो जाए. ये मेरी दुआ थी. तो वही हुआ जो मेरे हक में बेहतर था. दुआ भी बहुत मैटर करती है, सब चीजें बहुत मैटर करती हैं. बट आई थिंक वी जस्ट नीड टू हैव अ लिटिल पॉजिटिव पर्सपेक्टिव किसी के उससे, क्योंकि मैंने पर्सनली बहुत देखा है कि लोगों को वो बंदा मिलता है जो शायद उनके लिए सही हो. मैं गलत भी हो सकती हूँ, क्योंकि मैं तो बाहर की बंदी हूँ जो देख रही हूँ किसी की भी चीज़ को. लेकिन मुझे होता है कि यार दिस कैन बी फॉर एवर थिंग. लेकिन नहीं, कुछ लोग होते हैं जो सोच रहे होते हैं कि नहीं यार, हमें इससे भी बेहतर चाहिए. तो बेहतर से बेहतर की तलाश में तो ये हमारा लालच है एक इंसान के तौर पर. तो हम अगर ख्वाहिशात पे आए, जैसे ख्वाहिशात कहते हैं कि हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी, हर ख्वाहिश पे दम निकले, तो हर ख्वाहिश पे आपका दम निकलेगा. लेकिन जिसके साथ आपने सेटल होना है, उसमें वो हस्बैंड या वाइफ वाली अगर आपको चीज़ नज़र आती है कि ये पूरी ज़िंदगी की एक होती है. जैसे मुझे आई थिंक ये यासिर ने बोला था, मुझे किसने बोला था, समबडी सेड दिस टू मी, कि शादी जो होती है ना, प्यार आपका थोड़े अरसे का होता है, शादी में इज्जत होती है. वो इज्जत अगर आपकी हो ना, तो आपकी शादी चलती है. तो डू नॉट थिंक कि यार प्यार आपको 40 साल 50 साल वाला मिले. यू विल हैव लव, लेकिन वो जो नया लव होता है, एक रिलेशनशिप की फीलिंग होती है, वो कुछ और होती है. आफ्टर शादी थिंग्स आर डिफरेंट एंड दे चेंज, यू चेंज, द अदर पर्सन चेंजेस, फैमिली ग्रोज, यू हैव अ किड, प्रायोरिटीज चेंज, इतनी सारी चीज़ें हो जाती हैं. फिर आपकी एक कंपेनियनशिप होती है, आपकी इज्जत होती है, आपकी डिफरेंट बातें होती हैं. आप एज अ पेरेंट सोचते हो, फिर बाद में एज अ हस्बैंड, एज अ वाइफ सोचते हो, चीज़ें साथ में करते हो. तो ऑल ऑफ इट डजेंट मैटर कि अगर आप कुछ सोच रहे हो कि यार डर लग रहा है, कमिट नहीं करना चाहिए, जस्ट गो फॉर इट इफ यू थिंक इट्स द राइट थिंग टू डू. आपने दो बड़ी अच्छी बातें बोली. मैंने तो कभी ये बात नहीं सोची थी कि अगर कोई लग रहा है तो नियत कर लो यार, ये दिस इज रियली गुड. हां, नियत कर लो और बस दुआ करो, अगर वो है तो अल्लाह विल मेक अ वे, यू नो. एग्जैक्टली, दैट्स जो चीज आपकी है वो आपको ही मिलेगी, वो नहीं जाएगी किसी के पास. 100 साल भी आपको ही मिलेगी. बट दुआ कर लो, नियत कर लो, ताकि आपका अपना माइंड क्लियर हो जाए. एग्जैक्टली. एंड आई थिंक यू आर सो राइट कि हम सब लोग सिर्फ कंपेनियनशिप नहीं, जिंदगी में हर चीज के लिए बेहतर से बेहतर की तलाश में जो सामने उसको छोड़ देते हैं, देन इट्स टू लेट. या आपके और यासिर के दरमियान 10 साल का एज डिफरेंस है, राइट? 11 इयर्स. ओके. आजकल कॉन्वर्सेशंस हो रही हैं कि शादी में एज डिफरेंस, आपको क्या लगता है कि जब लड़की और लड़का अगर लड़की से इतना बड़ा है, तो ये कैसे किस तरह इस शादी में बेनिफिट होता है या क्या फ़ायदेमंद होता है, क्या किस रीज़न से आप उन लड़कियों को बोलेंगी कि अगर वो उनके लिए कोई प्रपोजल है जिसमें 10 साल या 11 साल का एज डिफरेंस है उनके और उनके होने वाले हस्बैंड में, व्हाई शुड दे गो फॉर इट, व्हाई शुड नॉट दे टेक इट एज अ नेगेटिव थिंग? यार मेरे लिए तो आई नो इट वाज लव फॉर यू, लेकिन अब जब आप शादी के बाद आपको ज्यादा प्रैक्टिकल चीजें रियलाइज हो रही होंगी. पहले भी लव, मतलब लव वाज देयर, मगर उसी टाइम पीरियड में आई रियलाइज्ड द फैक्ट दैट He knows the world better than me. Okay. I'm not a traveler. He's a traveler. मैंने शायद दुनिया में इतने cuisines नहीं खाए हुए होंगे जितने उन्होंने टेस्ट किए हुए हैं. He knows everything. He knows all the mannerism. He, I can learn from him. I can learn so many things. जो मुझे groom कर सकती हैं. Okay. जो मुझे एक बेहतर इंसान बना सकती हैं. He's also a street smart kid. But he's older than me. He's seen the world more than me. He knows a lot. Then, he's wise. So I've learned from him. उस तरीके से भी कि आपने
चीज़ें किस तरीके से लेके चलनी है, ऐसे बहुत सारे डिसीजंस हैं जिसमें मैंने उनका मशवरा लिया कि यार मुझे ये बताएं कि ये करना चाहिए वो नहीं, जो कि मैंने कभी किसी का नहीं लिया। ये भी बड़ी हैरानी लग रही थी। तो आई ऑलवेज आस्क हिम कि अच्छा दिस इज़ द थिंग। ये जैसे मैं अभी एक दिन शूट पे थी एंड आई हैड सम वर्क के वो शूट से मुझे डायरेक्टली जाना था, तो ही वॉज ऑल्सो शूटिंग। आई कॉल्ड हिम एज यस मैं भी शूट पर हूँ और फिर मुझे यहाँ से अभी एक और काम के लिए जाना है, मैं जाऊँ कि ना जाऊँ? ही इज़ लाइक इफ़ यू फील लाइक गो। मैंने कहा नहीं, मैं कहली कि मैं थकी, मैं कहते नहीं जाओ फिर। सो यू नो बात ये नहीं है कि he's probably you know I'm depending on him for a decision या for an answer, but it feels good. क्योंकि कभी कभी आपसे जब कोई बड़ा इंसान होता है तो वो आपको एक बेहतर मशवरा दे सकता है, सो वो बहुत ज़रूरी होता है आपकी ज़िंदगी में, तो मुझे तो वो अच्छा लगता है। सो इट्स ओके इफ़ यू लव समवन हु इज़ ओल्डर देन यू, और अगर आपको लगता है, क्योंकि आजकल के ज़माने में शादी से पहले थोड़ा सा टाइम तो हर कोई लेता है, आइदर तो होती है, आइदर इट इज़ एज अ रिलेशनशिप और एज एन एंगेजमेंट, तो आप टाइम तो लेते हो, तो उस टाइम में आपको पता चल जाता है किसी इंसान का कि ये आपका खैरख्वाह है, आपको मशवरा दे सकता है, सही बात आपको बोल रहा है कि नहीं बोल रहा, या कंट्रोल कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है, तो आपको फीलिंग आ जाती है। वी जस्ट इग्नोर दोज रेड फ्लैग्स, इट्स आर फॉल्ट। हम बोलते हैं नहीं नहीं ये ठीक हो जाएगा, ये ठीक हो जाएगा। हमें किसी से शादी उसको बेबी सिट करने के लिए नहीं करनी, चाहे वो लड़का हो या लड़की की साइड से हो। यासिर मुझे बेबी सिट करने के लिए नहीं मुझसे शादी कर रहा। आई वॉज प्रॉब्ली आई ऑल्सो हैड सम ब्रेन्स कि उसने बोला कि यार इसको बिल्कुल ही बेबी सिट नहीं करना पड़ेगा, कुछ सीखना एक अलग बात है। तो दोनों साइड से ये नहीं होना चाहिए कि नहीं यार इसको हम सिखा देंगे शादी के बाद, ये बदल जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। ये जो भी कुछ मैंने यासिर से सीखा है, इट्स माई ओन थिंग कि यार मुझे ये चीज़ें अच्छी लग रही हैं, मुझे भी ये करना चाहिए, सिर्फ इनको पता है, तो यू नो मैं भी इसको अडेप्ट करूँ। इट्स मतलब मैं भी बड़ी हो रही हूँ, आई शुड ऑल्सो लर्न न्यू थिंग्स। तो वो बेबी सिटिंग वाली नहीं चीज़ होती। आई लव द वर्ड दैट यू यूज्ड, लर्न, नॉट कि मैं डिपेंड कर रही हूँ। मुझे ये बात बहुत इंटरेस्टिंग लगी। हाँ, एंड इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप कुछ अपने पार्टनर से सीखना चाहते हो कि नहीं। ज़रूरी नहीं है कि आपने उनके रंग में ही ढल जाना है। अगर आपको कुछ ऐसी चीज़ लगती है कि यार हाँ ये मुझ में भी होनी चाहिए, आई शुड ऑल्सो नो दिस, ठीक है, इट्स ओके। मतलब जिंदगी बहुत सिंपल है और ये बात मैंने यासिर से सीखी है। आज शायद जो भी मैं सारी बातें कर रही हूँ बिकॉज ऑफ हिम, बिकॉज आई हैव लर्नड सो मच फ्रॉम हिम, आई हैव बिकम सो पेशेंट, काम, और ज़िंदगी को ज़रा ज़्यादा बेहतर तरीके से सोचना। और ये सोचना, ही ऑलवेज सेज दिस वन थिंग, आई वॉज अ वर्कोहॉलिक। मतलब मैं तो संडे को भी काम करती थी, मैं तो पागल थी। मतलब 28 आवर्स भी आप मुझसे काम करा लो स्ट्रेट, मुझे कोई मसला नहीं है। सो आई वॉज अ वर्कोहॉलिक। व्हेन आई मेट हिम, ही ऑलवेज हैड दिस सोच के यार काम जो है हमारी ज़िंदगी का हिस्सा है। काम हमारी ज़िंदगी नहीं है, जैसे हमारी फैमिली हमारी ज़िंदगी का हिस्सा है, हमारे दोस्त हमारी ज़िंदगी का हिस्सा है, वैसे ही काम इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ आर लाइफ। वी डू नॉट डिपेंड ऑन इट, सो यू नीड टू टेक सम टाइम फॉर योर सेल्फ, और आपको अपने आप को भी टाइम देना है ताकि आप अपने आप को जान सको कि और इन्जॉय कर सको। बिल्कुल। अच्छा, बहुत से कपल्स मुश्किलात फेस करते हैं, ठीक है, और हमारे यहाँ मैरिज काउंसलिंग तो बहुत ही टैबू सब्जेक्ट है, कुछ सोचता भी नहीं है। तो मुझे लगता है कि ये कैसी चीज़ है, बजाय इसके कि आप ऐसे पॉइंट पे पहुँचें जहाँ पे पैचअप पॉसिबल ही नहीं है, फिर आप जाके सोचें, तो अगर थोड़े थोड़े पहले ही आपको नज़र आ रहा है कि एक मसला है, तो मे बी किसी से, जैसे हम डॉक्टर के पास जाते हैं, जैसे हम यू नो डाइटिशियन के पास जाते हैं, ब्यूटिशियन के पास जाते हैं चीज़ें इम्प्रूव करने के लिए, तो रिलेशनशिप को भी इम्प्रूव करने के लिए मैरिज काउंसलिंग कैन बी कंसिडर। अल्लाह ना करे कि आपको कभी ज़रूरत पड़े, और अभी तो बिल्कुल भी नहीं है माशाल्लाह माशाल्लाह से, बट डू यू थिंक कि अगर कभी हुआ तो आप इसको टैबू नहीं समझेंगी? यू एंड यासिर विल कंसिडर इट। एंड मैं इसलिए पूछूँ ताकि हम कॉन्वर्सेशन आप लोगों के साथ करते हैं, ताकि ये एक नॉर्मलाइज हो, ताकि जब आप लोग करेंगे तो लोग कहेंगे यार ये लोग, जैसे माहिरा केम तो शी टॉक्ड अबाउट थेरेपी, कि उन्होंने थेरेपी यूज की अपने जो भी यू नो है। आई हैव गॉन टू थेरेपी एज वेल, सो दैट्स नॉट द इशू, क्योंकि लोग ये सोचते हैं कि यार अच्छा इसको मसला है, ये साइकोलॉजिस्ट के पास जा रहा है, साइकेट्रिस्ट के पास जा रहा है, पागल है शायद, दवाई ले रहा है, पागल नहीं, वो पागल नहीं है, वो बाहर इसलिए हेल्प ढूंढ रहा है क्योंकि आप उसको पागल समझ रहे हैं और आप उसकी हेल्प नहीं कर पा रहे। सो यू एज अ फैमिली, अगर आप
उसके साथ खड़े हो, उसकी मुश्किल को समझ सको, तो उसे बाहर लोगों के पास या किसी डॉक्टर के साथ जाके अपने ही लिए बात नहीं करनी पड़े. सो आई थिंक इफ समथिंग, अल्लाह ना करे हो, लेकिन अगर कुछ ऐसा होता है तो सबसे बड़ी तो मेरी अम्मी काउंसलर मेरे घर में बैठी हुई है. बट अगर वहाँ पे काम नहीं हमारा बनता है तो ऑफ कोर्स वी डू नॉट हैव एनी इशू गोइंग टू अ काउंसलर, क्योंकि जैसे मैं उसको बचा लेना, जैसे मैं थेरेपी के लिए गई थी तो मुझे इतनी सारी चीज़ें और इतना मेरा दिमाग उससे खुला, उसने मुझे इतनी सारी चीज़ें बताईं जो जो आपको शायद कोई ऐसे ना बता सकता. वो इतने सारे दरवाजे आपके सामने खोल देता है, दैट पर्सन यू गो टू एंड टॉक टू. वो आपको चीज़ें बताता है कि यार ये सिचुएशन में अगर आप ऐसा कहते हैं या अगर ऐसा सोचते हैं तो ऐसा हो सकता था. एंड देन यू लाइक ओ हाँ, वाई एम आई जस्ट थिंकिंग द नेगेटिव पार्ट ऑफ द कॉन्वर्जेशन. अगर मैं इस चीज़ को इस पॉजिटिविटी से लेके चलती तो ये अच्छा भी हो सकता था. अगर मैं शायद खामोश रहती तो अच्छा हो जाता. अगर शायद मैं लड़ लेती तो मेरे साथ ये ना होता. तो मतलब ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं. एंड देन दे एम्फेसाइज ऑन द फैक्ट, लेट योर इमोशंस आउट. हम अपने इमोशंस को अंदर ही अंदर रखते हैं कि नहीं, किसी को बताना नहीं है, किसी को दिखाना नहीं है, चुप कर जाओ. इट्स नॉट ओनली द मेन, इट्स द वुमेन नाउडेज एज वेल, बिकॉज़ द स्ट्रेंथ है ना. हाँ, जैसे हम ये बोलते हैं ना कि नहीं मर्द रोता नहीं है, वहाँ पे उनका तो मसला है ही है कि वहाँ पे आपने एक बंदे के इमोशंस पे फुल स्टॉप लगा दिया कि मर्द रो नहीं सकता, मर्द अपने इमोशंस नहीं दिखा सकता, क्योंकि वो घर का करता धरता है, वो तो ही इज द मर्द है भाई, वो तो हाँ मतलब वो घर चला रहा है, वो ही इज द हेड ऑफ द फैमिली, हाउ कैन ही बी वीक. तो वहाँ पे आपने फुल स्टॉप लगा दिया. आज हमने औरतों पे भी लगा दिया कि नहीं, तुम तो एक माँ हो, अपने बच्चे के सामने अगर तुम रोगी तो तुम्हारा बच्चा तुमसे क्या सीखेगा? Yeah. वो रोना सीखेगा. इट्स ओके, इट्स ओके, इट मींस लेटिंग योर इमोशंस आउट. इट्स ओके, आप अगर ज्यादा हंस रहे हैं, इट्स गुड. हाउ मेनी टाइम्स डू यू वांट टू लाफ दिस हार्ड? तो हम लोग जरा ना आजकल के जमाने में बड़ा बोलते हैं ऐसे ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, इतना ही ठीक है. नहीं, यू शुड बी आउट देयर. यार आप थेरेपी के लिए क्यों गई थी? यार मैं थेरेपी के लिए गई थी क्योंकि आई हैड अ वेरी, आई कैन नॉट से अ वेरी रफ चाइल्डहुड, बट आई हैड अ रफ चाइल्डहुड इसलिए क्योंकि मैं 3 साल की थी जब मेरे अब्बू वापस आए थे हमेशा के लिए कराची. ही यूज़ टू बी इन सऊदीया, तो वापस आए थे एंड आई हैड नेवर सीन हिम. आई डिड नॉट हैव एनी आइडिया कि अच्छा जी ये बाप है मेरा. My tayo used to live right next to my door, so I always thought he's my father. Okay. So I've always had a very good bonding with him. To wo jab aaye, to it was after that it was really tough for me to understand and have trust in him ki yaar ye ab matlab ab ye relationship hai जिसको हमने बनाना है. एंड ही वॉज अ स्ट्रिक्ट डैड इज़ वेल. तो फिर मुझे उनके साथ 9 साल मिले तो फिर कुछ बचा ही नहीं. सो इट वॉज अ रफ चाइल्डहुड. ये ड्रामे इंडस्ट्री में आने के बाद? यस, आई वॉज 12 व्हेन आई लॉस्ट हिम. तो गोइंग टू थेरेपी यस, इट वॉज हाँ, इट वॉज वेरी अर्ली ऑफ दैट. हाँ, आई वॉज आई थिंक 14-15 या कुछ. तो आई थिंक इट वॉज दैट. आप जिक्र करी थी कि आपकी अम्मी जो है वो सिंगल मदर एंड वो काम करती थी, आप घर आती थी तो खाना बना होता था, रोटी और चावल आप कभी कभी खुद करती थी. तो इकरा उस स्टेज पे क्या चैलेंजेस होते थे आपके, मतलब कुछ और शेयर करेंगी जो ताकि लोग जो सुन रहे हैं उनको भी यू नो इंस्पिरेशन मिल सके. बिकॉज मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग लगी थी ये बात, यू नो कि बज़ाहिर कितना वो लगता है ना ग्लैमर एंड एवरीथिंग लुक्स सो ग्लैमर, लेकिन एक स्ट्रगल है, एक ज़िंदगी है जो गुजारी हुई है. यार मैंने एक जैसे मुझे कभी भी अपने काम करने में बचपन से ही अम्मी भी बोलती हैं कि मैं बहुत ही ज़्यादा इंडिपेंडेंट थी. मतलब मैंने अपनी बड़ी बहन से पहले शू लेसेस बांधना सीख लिए, ब्रेड करना सीख ली. आई वॉज वेरी पिन एंड प्रॉपर बचपन से, हर चीज़ बिल्कुल पिच परफेक्ट होनी चाहिए. फर्स्ट बेंचर वाली बच्ची ना,
तो मुझे कोई एतराज़ नहीं था अपने कभी खुद काम करने में, लेकिन जब सर पे पड़ती है तब ज़रा सा तो एक झटका लगता है कि अच्छा पहले तो इट वॉज अ चॉइस, नाउ इट्स अ थिंग कि यार अब तो आपको ही करना है क्योंकि और कोई नहीं करके दे सकता. पहले तो थे लोग खड़े हुए कि हम करके दे सकते हैं आपको, बट यू वर लाइक नहीं यार इट्स माई चॉइस, आई एम गोना डू इट ऑन माई ओन. तो वो एक झटका तो था, लेकिन वो फेज़ बहुत मेरे ख्याल से ज़रूरी होता है एक बंदे की लाइफ में, जो कि मैंने देखा. मतलब मैं सेंट जोसेफ्स में थी, तो वहाँ से एक्सप्रेस मार्केट के एम्प्रेस मार्केट के बस स्टॉप का, आई थिंक इट वाज अ 10 मिनट वॉक या 12 मिनट वॉक प्रॉब्ली, शायद इससे भी कम होगी, मैंने कभी टाइम नहीं किया. तो मैं वॉक करके आती थी, मैं बस लेती थी, फिर घर जाती थी, तो वो एक छोटा सा रास्ता होता था, फिर जाती थी, फिर वहाँ से चल के घर जाती थी, फिर जाती थी, खाना बनाती थी. सो आई हैव सीन ऑल ऑफ दैट. तो मुझे आज कोई एतराज़ नहीं होता कि मैं अपनी हील खुद उठाऊँ, अपना बैग खुद उठाऊँ, अपना काम खुद करूँ, और या मैं एक एक्ट्रेस बन जाऊँ कि यार मतलब यू नो आई अर्न दिस, तो मैं तो लोगों से काम करवाऊँगी. तो मुझे कभी भी वो नहीं हुआ. तो वो एक बहुत ज़रूरी होता है इंसान में, उसको डाउन टू अर्थ रखने के लिए. तो लेकिन जब आप उस सारी चीज़ से गुजर रही थी, कभी कभी गुस्सा चढ़ जाता था या यू फाउंड इट टफ एट दैट टाइम या नहीं? ऑफ कोर्स आई थिंक, मतलब इफ यू से, मतलब आई वाज आई थिंक 12, बहुत छोटी एज है उसके लिए, 12 से 14 के बीच का ये एक पैच था, क्योंकि उसी वक्त मैं स्कूल में थी और ये सब कुछ हो रहा था. तो ऑफ कोर्स मुश्किल होता है, क्योंकि आपकी एक पूरी ज़िंदगी बदल जाती है. यू लूज़ योर डैड एंड देन यू अंडरस्टैंड कि अच्छा ये क्या हो गया. मतलब पता ही नहीं था कि अहमियत क्या चीज़ थी वो जो हमने खो दी है. यू अंडरस्टैंड व्हाट यू हैव लॉस्ट. देन मैं अपनी अम्मी के बहुत करीब हूँ, अम्मी पूरा दिन घर पे नहीं होती थी, शी यूज़ टू गो आउट एंड वर्क. आपी से हमेशा मेरा ना 36 का आंकड़ा चलता था, अब बहुत अच्छी हो गई है. लेकिन जो भी है, बहन है वो भी नहीं है घर पे. तो आपकी पूरी लाइफ इज लाइक घूम जाती है कि ये क्या हो गया है. सो इट इज टफ, इट मस्ट हैव टेकन सम टाइम. हां, इट वाज टफ. हाउ डू यू थिंक कि बीइंग द डॉटर ऑफ अ सिंगल मदर, कैसे शेप किया है आपको? बहुत ज़्यादा शेप किया है. मुझे लगता है कि अगर ये सब कुछ शायद ना होता तो मैं आज यहाँ नहीं होती, क्योंकि इट हैज़ गिवन मी सो मच टू अंडरस्टैंड. इतना सब कुछ मैंने ज़िंदगी के बारे में समझा है. मेरी सोच ये है कि नहीं यार, मैं थोड़ा ठहर जाऊँगी, लेकिन मैं रन ऑफ द मिल वाला काम नहीं करूँगी. मैं अच्छा काम करूँगी ताकि लोगों को दिखे कि नहीं यार ये है. अगर शायद मैंने ये फेज़ ज़िंदगी का नहीं देखा हुआ होता, तो मुझे इस चीज़ का एहसास नहीं होता कि नहीं यार मैंने स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स लोगों को दिखाने हैं कि ये भी होता है, दिस इज़ ऑल्सो वॉट अ वुमन कैन डू. तो मुझे लगता है इट हैज़ गिवन मी सो मच एज अ डॉटर, एज अ वुमन, एज अ वाइफ, एज अ मदर. मतलब मैंने इतना कुछ सीखा है अपनी माँ से, जो कि मैं अब कबीर के साथ उसको कर रही होती हूँ और उसी तरीके से उस चीज़ को फेस कर रही होती हूँ. ओके, लेट्स टॉक अबाउट द इंडस्ट्री अ लिटिल बिट. यस, तीन चीज़ों के का मैं जिक्र करती हूँ. आप मुझे बताइए कि इतने अरसे से जब आप इंडस्ट्री में हैं, तो ये आपने देखा है एग्जिस्ट करती है ये चीज़ें या नहीं, और आपका इन पर क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? ओके, नेपोटिज्म. नेपोटिज्म है हमारे पाकिस्तान की ड्रामा इंडस्ट्री में, बड़ी बातचीत होती है ना इसका. कबीर बड़े होने वाले हैं, मुझे नहीं पता क्या होगा. आई डोंट थिंक आई शुड बी टॉकिंग अबाउट दिस. दैट्स अ वेरी गुड आंसर. अम्मी ने मुझे बोला, अम्मी ने बोला ही हैज दिस टाइनी गिटार, तो ना वो उसे लेके पकड़ा हुआ था. कहती है बेटा अगर ये म्यूजिशियन बनना चाहे ना तो तुम इसको बनने देना. मैंने कहा मामा आपने मुझे एक्टर बनने दिया, मैं इसे म्यूजिशियन नहीं बने दूंगी. बनने दूंगी, मैंने कहा जो इसने बनना है बने, एक्टर बने, म्यूजिशियन बने. तो अगर वो इस इंडस्ट्री में आ गया तो पिछला क्लिप लग रहा होगा इधर, ये देखें ब्रेकिंग न्यूज़ था, ब्रेकिंग न्यूज़, सालों पहले इन्होंने ये बोला था. नहीं, बट आई थिंक मैं इसको नेपोटिज्म नहीं कहना चाहूँगी, लेकिन नाउ दैट आई एम अ पेरेंट, मुझे हमेशा ये फीलिंग अब समझ आने लगी है कि जब आपके पास ज़राए होते हैं तो
फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली यू नो योर वे. ओके, मतलब मेरे पास नहीं था कोई, मेरे पास कोई जरिया नहीं था, कुछ नहीं था, लेकिन अल्लाह का शुक्र है आई मेट द राइट पीपल एट द राइट टाइम, तो मैंने अपनी एक जगह बना ली. बट नाउ अगर मुझे कबीर उठ के बोले यार मुझे एक्टर बनना है या कुछ, आई विल बी लाइक खुद जॉब करो जो भी करना है. मैं दिल पे पत्थर रख के, वही गोद में उठाने वाली बात कि दिल पे पत्थर रख के मैं बोलूंगी जाओ खुद करो, लेकिन एज अ मदर एज अ पेरेंट मैं चाहूंगी कि यार जब मैं लोगों को जानती हूँ तो एंड व्हेन आई एम केपेबल ऑफ इट तो मैं क्यों नहीं कर दूं. तो वो मुझे लगता है कि अब क्या कर सकते हैं, वो आ जाता है, लेकिन दिल पे पत्थर रखना पड़ता है शायद. फेवरेटिज्म इन ग्रुप्स हैं, यस आई थिंक इट्स एवरीवेयर. आपने फेस किया है कभी इस चीज को, कभी कोई है स्क्रिप्ट निकला हो या कभी कुछ हुआ हो या नहीं? नहीं, मैंने हमेशा से ना बहुत ये अपनी सोच रखी है कि जो मेरा है वो मुझे मिलेगा. ठीक है, तो अगर ये मुझे नहीं मिला तो इसमें अल्लाह की बेहतरी होगी कि ये मुझे नहीं मिला है. okay. और जिसने किया है वो उसने मुझसे बेहतर किया है, इसीलिए तो उसको मिला है. ठीक है, वरना अल्लाह मुझे ही ना दे देता. कास्टिंग काउच, कास्टिंग काउच आई हैव नेवर फेस्ड इट पर्सनली सो आई डोंट नो, बट रूमर्स सुनी है. रूमर्स भी नहीं, क्योंकि मैं दोस्ती नहीं उतनी जो सो आपने तो कहीं ये नहीं एग्जिस्ट करता. निकल गई क्रॉस साइड से, निकल गई भाई. वेरी गुड, वेरी गुड. मैंने कहा मेरी आंसू से बहुत कुछ सीखा है. आई लर्नड अ लॉट फ्रॉम हिम. यस आई कैन सी दैट. नहीं नहीं नहीं, आपका क्या ख्याल है कि एक्टर्स जब अपने कैरेक्टर्स को चूज करते हैं तो कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उनके ऊपर कि वो सही तरीके का मैसेज कम्युनिकेट करें? बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है. अच्छा सॉरी, मैं इधर थोड़ा सा ऐड करूँगी, एंड हाउ डू यू बैलेंस इट आउट, क्योंकि खुदा और मोहब्बत में माही का जो कैरेक्टर है उससे मुझे थोड़ा सा इशू था. तो यही बात है, बिकॉज बाकी अभी इंटरव्यू के दरमियान भी आप बार बार कह रही थी कि मुझे यू नो मैंने ऐसे वैसे कैरेक्टर नहीं करने, एक मैसेज हो, औरतें कुछ कर रही हों वो दिखाएं. तो ये बड़ा चैलेंजिंग है, कैसे आप बैलेंस करें इसको भी? आपने बिल्कुल सही प्रोजेक्ट उठाया बैलेंस के मामले में. सबसे पहली चीज़ कि रिस्पॉन्सिबिलिटी से शुरू, रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो बहुत ज़्यादा है. इसकी मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ. मेरे पास एक प्रोजेक्ट आया था जिसके मैसेज से मुझे थोड़ा सा इशू था. ठीक है, क्योंकि जहाँ तक जो अपनी सोच के हिसाब से मुझे स्क्रिप्ट समझ आ रही थी उसके हिसाब से मुझे वो सही नहीं लगा, तो मैंने वो मना कर दिया. ठीक है, एंड आई डिड नॉट डू इट. आई वॉज ऑन गुड टर्म्स विद एवरी वन, तो उन्होंने भी समझा कि अच्छा ठीक है, अगर आपको नहीं समझ आ रहा, ऑफकोर्स हम आपके सर पर बंदूक रख के नहीं आपसे ज़बरदस्ती कराएंगे. सो इफ़ यू थिंक यू आर, मतलब यू डोंट थिंक यू वॉन्ट टू डू इट, इट्स ओके. उन्होंने भी समझा, ये बहुत अच्छी बात है उनकी. लेकिन मुझे ये था, आई टुक अ स्टैंड कि यार नहीं, मुझे नहीं लग रहा कि ये सही मैसेज पहुँच आ रहा है. और वो एक काफ़ी अहम, मतलब एक बड़ा एक अहम कॉन्सेप्ट था. तो मैंने कहा नहीं, मैं ये नहीं कर सकती. मैंने छोड़ा, आई टुक अ स्टैंड. जो बैलेंस था वो ये था कि खुदा और मोहब्बत मेरे पास 3 साल पहले आया था. okay. तब ये उनके पास था, इससे पहले जो प्रोड्यूसर थे उनके पास था. तो मेरी मीटिंग भी हुई थी, आई थिंक मैं सुनूर चंदा के सेट से गई थी. इट वाज प्रॉब्ली सुनूर चंदा 1 हैपनिंग एट दैट टाइम, पता नहीं, याद नहीं है मुझे. तो मैं गई थी और हम लोगों ने मीटिंग की, सब किया. उस वक्त इट डिड नॉट हैपन, देन इट वेंट टू अनदर प्रोड्यूसर अब्दुल्ला कादवानी साहब और असद कुरैशी साहब, 7th Sky. फिर दोबारा आया, मैंने कहा ओके आई वॉन्ट टू डू दिस बिकॉज आई हैव ऑलवेज बीन अ फैन ऑफ खुदा और मोहब्बत. मैंने पहला प्रोजेक्ट मैंने तब देखा था जब मैं कुछ भी नहीं थी और मैं ड्रामे नहीं देखती थी. मुझे मेरे दोस्त ने रेकमेंड किया कि आप ये ड्रामा देखो, ये बहुत अच्छा ड्रामा है. तो मैं वो लेकर आई थी डीवीडी बट दैट टेप. हाँ, आई डोंट नो व्हाट इट्स कॉल्ड, वीसीआर में जो लगती है. नहीं, वो जो बड़ी वाली होती है, वो जो बड़े वाले डीवीडी प्लेयर्स होते हैं, नॉट द सीडी डीवीडी वाला, वो कुछ और होता है, पता नहीं, मैं भूल गई. वीसीआर की बात कर रही हूं. नहीं, वीसीआर इतना पुराना नहीं था. बड़ा वाला कौन सा होता है? ये वो जो प्रॉपर ब्लूरे वाली होती है. ओके, ब्लूरे. ओके ओके. हां, आई थिंक आई गॉट इट. को नहीं पता टेक्निकल. आई गॉट इट राइट. ब्लूरे वाली मैं लेकर आई कि यार मैं देखूंगी, एंड आई वॉच्ड इट. आई वाज अ फैन. तो मतलब जब मुझे तीसरा ऑफर हुआ, मैंने कहा ओ माय गॉड, I have to do it. मैंने कहा I have to do this. This is amazing. मतलब ऐसा कैसे हो सकता है कि मुझे ऑफर हुआ है और अब दोबारा हो रहा है और मैं ना करूँ, ऐसी क्या बात हो गई. और फिर वजाहत डायरेक्टर भी बहुत अच्छे थे. जियो के साथ मैंने पहले कभी काम भी नहीं किया था, फिरोज के साथ कभी काम नहीं किया था. सो आई थिंक इट वॉज ऑल सो न्यू, सच ए न्यू पैकेज फॉर मी कि मैंने बोला कि बट माही डिजर्व करती थी ये सब कुछ.
मतलब उसको किस चीज की सजा मिली थी थ्रू आउट द ड्रामा, मुझे ये क्वेश्चन है, फिर बेचारी मर गई एंड में। हाशिम नदीम को बताना पड़ेगा, हाशिम नदीम को बताना पड़ेगा ये। बट मुझे ये था कि I was okay with the ending because मैंने कहा अच्छा यार जिससे इतनी मोहब्बत की है, इतने जतन किए हैं, उसी के ना हो पाए तो फिर क्योंकि हर देखें मुझे ये हमेशा होता है कि there are always different kinds of love। ठीक है, हम जिस मोहब्बत की बात कर रहे थे थोड़ी देर पहले वो बहुत प्रैक्टिकल मोहब्बत है, ठीक है, ये बहुत इश्क वाली मोहब्बत थी। तो अब जो हर चीज़ फिल्म और ड्रामों में होती है, फॉर एग्जांपल जैसे फिल्म में आप यहाँ पे अभी जुग्गी में बैठे हुए हैं, वहाँ आप स्विट्जरलैंड चले गए साड़ी पहन के नाच रहे हैं, इट्स नॉट रियल ना, इट्स नॉट रियल, इट हैपेंस। फिल्मी मोहब्बत थी, फिल्मी वाला इश्क था, फिल्मी इश्क था, वो टीवी पे चल गया। हाँ ये टीवी है, फिल्म वाला इश्क है, असली में तो नहीं होता। खुदा मोहब्बत के मतलब माही का कैरेक्टर बड़ा इंटेंस कैरेक्टर था, उसने किसी तरीके से आपको अफेक्ट किया इकरा को? इट्स वेरी क्लोज टू माई हार्ट और आई थिंक उसमें वो जो एक चीज थी ना शुरू में कि देयर वाज अ नो टू द फैक्ट कि यार अच्छा अगर आपको मुझसे मोहब्बत है तो मुझे मुझे आपसे मोहब्बत नहीं है एंड आई हैव टोल्ड यू दिस, प्यार से नहीं समझ रहे तो फिर आप ऐसे समझ लो एक अलग तरीके से, शायद आपको समझ आ जाए। सो दैट नो is really I think the most important thing mere liye khuda aur mohabbat mein, okay, ki wo jo consent consent ki cheez thi na ki yaar aap bas ha tumhe pyar hai, ha mujhe bhi pyar ho gaya isi chakkar mein, nahi uske baad wo ek process tha pura how life happened और वो किस तरीके से बस एक सर्कल की तरह वापस घूम के लड़का सामने आ जाता है एंड हाउ फीलिंग्स चेंज एंड देन यू थिंक के अच्छा, तो वो उस प्रोसेस में बातों में और वो चीज़ में जो आपको एक मोहब्बत हो वो एक अलग है, लेकिन उससे पहले वो जो एक कंसेंट थी वो मेरे लिए बहुत मैटर करती थी, वो बड़ी अहम चीज़ थी इसमें। तो माही या नूरी? अरे यार ये बहुत मुश्किल है ना, नहीं आई वोंट पुट यू बिकॉज़ थैंक यू, अच्छा आई विल गो विद नूरी, Noori, any day. Noori is my favorite. I am in love with that drama and your character. I love Noori. Thank you. मुझे पता नहीं Noori से क्या एक उनसियत सी हो गई थी, it was such a lovely character. तो मुझे ये तीन projects जो आपके खुदा मोहब्बत, सुनो चंदा एंड रांझा रांझा कर दी, कोई एक एक चीज़ बता दें, कोई लर्न की, कोई चेंज हुआ, कोई वाक्या उससे याद है, जो भी जस्ट मैंशन समथिंग फॉर मी बिकॉज आई नो मैं बस इसके बाद रैप अप करूँगी, लेकिन मुझे पता है सारे जो फैंस हैं ना वो दे वुड वॉन्ट टू हेयर समथिंग। ओके, सुनो चंदा जो था उस पर मुझे समझ आया कि टफ शूट क्या होती है, बगैर सोए जागे डबल कैमरा शूट टाइप, हाउ यू मेक अ प्रोजेक्ट, हाउ यू डू अ कैरेक्टर इन लेस देन 2 months एंड देन यू नो इट गोज ऑन एयर एवरी डे, 40 मिनट की किस्त। तो वो मैंने सीखा कि आप किस तरीके से अपना टाइम मैनेज करते हो, अपनी लाइफ मैनेज करते हो अराउंड दैट वर्क शेड्यूल। खुदा और मोहब्बत वाज अ वेदर चेंजिंग प्रोजेक्ट, बाकायदा हमने सर्दियों में शुरू किया था और सर्दियों में ख़त्म किया है, तो वो काफ़ी एक टफ प्रोजेक्ट था वेदर के लिहाज से, बट आई लर्न अ लॉट फ्रॉम द डायरेक्टर, ही इज़ अ टफ गाई टू वर्क विद बट He is an amazing guy और वो जो उनकी सोच है, जो उनका perspective है as a director, जो वो चीज़ बनाना चाहते हैं ना, वो जो सोचते हैं वो दिखाते हैं आपको। Okay. So he is very good at that. He knows how to portray a story. So okay. I learned a lot from him. उन्होंने बहुत कुछ सिखाया। रांझा रांझा कर दी, of course. मतलब वो तो मैं कभी भी किससे ज़्यादा आपको recognition मिली आपको लगता है, रांझा रांझा करती या सुनो चंदा? आई थिंक वो सुनो चंदा, क्योंकि वो बहुत फैमिली प्रोजेक्ट था और मेरी बहन मुझे कहती है मेरे पास इतने बच्चे आते हैं, मुझे इतनी खुशी होती है दैट किड्स कमिंग अप टू मी कि सेंग यार हम सुनो चंदा, हमने सुनो चंदा देखा, सुनो चंदा देखा। तो आप ही मुझे कहती है कि यार मुझे इतनी खुशी होती है कि बड़े एक अलग बात है, वो तो आप ड्रामे करते हो वो बड़े देखते हैं, बट बिकॉज ऑफ दिस प्रोजेक्ट आपकी एक फ़ैन फॉलोइंग हुई है बच्चों की, तो वो जो एक चीज़ है ना, यू हैव बच्चा एज वेल एंड एडल्ट्स एज वेल,
तो मुझे वो बड़ी खुशी। अच्छा, एक छोटा सा फन सेगमेंट करते हैं। मैंने आपके जो कुछ को स्टार्स हैं, फ्रेंड्स हैं आपके, उनके इंस्टाग्राम से कुछ कैप्शंस उठाए हैं, ठीक है? मैं आपको बताऊंगी, आपने गेस करना है कि ये कौन है। हाँ, लेट्स सी आप कितना अच्छा जानती हैं। मैं क्या आई हूँ इंटरव्यू में बगैर कुछ जान, आपको पता नहीं रियासत में बता रहे होते कि क्या हो रहा है दुनिया में और इंस्टाग्राम पे, मुझे नहीं पता होता। बट ओके, आई कैन लेकिन try. लेकिन आप दोस्तों को जानती है, हाँ, तो पता तो होगा कि किसने फन या किसने शायराना या किया, किसने अच्छा, किया होगा। चलिए देख लेते हैं। ओके, आई कैन ट्राई। यू डोंट हैव टू बी राइट, द फन इज दैट यू गेट इट रॉन्ग। ओके, ओके। तो ये जो आपके co-star/friend हैं, उन्होंने लिखा हुआ है, ताल्लुक और दोस्ती में जमीन आसमान का फर्क होता है। और इन्हीं का एक और कैप्शन है, क्या मेरी आंखें और होंठ एक साथ मुस्कुरा रहे हैं? कौन ऐसी बातें कर सकता है? मुनीब भट्ट? नहीं, वाई वुड मुनीब से दैट? He's like, इतना डीप मुनीब बात कर सकते हैं कि दोस्ती और तारे? यू डोंट यू एक्सपेक्ट दैट? आई एम आस्किंग यू। नहीं नहीं, ही कैन। ये कौन बोल सकता है, कौन इतने डीप आपके सर्कल में? सोचें, को स्टार जिनके साथ आपने काम किया हुआ है। चले मैं हिंट देती हूँ, वो लिखते भी हैं। अली जरियूम? नहीं नहीं। अच्छा, वन ऑफ योर फेवरेट? यस, उन्हीं का ही तो लिखा हुआ हमने ड्रामा किया भी है। Yes. So, of course, वो इतना डीप बिल्कुल लिख सकते हैं। सॉरी मुनीब, दिस इज नॉट यू। इमरान के बारे में कोई बात बताएंगे? इमरान के बारे में, ही इज सो एनर्जेटिक। मतलब शायद जितनी एनर्जी मुझ में होगी ना सेट पे, मैं भी यूं हो जाती हूँ जो वो बंदा है। ही इज पैशनेट फॉर व्हाट ही डज, ही इज एनर्जेटिक एंड ही इज ऑलवेज देयर। Okay. बेहतर से बेहतर चीज़ करना चाहता है, सो आई थिंक दैट्स अ वेरी गुड थिंग। ओके, अब जो सेकंड कोस्ट आ रहे हैं आपके स्लैश फ्रेंड अगेन, जो आए तुम्हारी बज़ में दीवाना हो जाए। और फिर एक और भी उन्होंने किया हुआ है, हेयर आई सिट बीनीथ अ ट्री, हार्ट बीट काम, सोल टर्न्स फ्री, तो सोल हम्स फ्री, सॉरी दिस इज समवन गोरा। जो आए तुम्हारी बज़ में दीवाना हो जाए, फिर लिखा है, Here I sit beneath a tree, heartbeat calm, soul hums free. पैसे नहीं मिलेंगे, कौन बनेगा करोड़पति? नहीं चल रहा है। Give me options A, B, C, D. Okay. Is this a guy or a girl? A guy. A guy. Okay. Shahroz? नहीं। आपने इनके साथ एक, हाँ, या मैंने पहले सोचा था शहजाद, बट देन आई वाज लाइक, यार क्या पता ये गोरा कैप्शन शहरोज ने लिखा होगा। नहीं शहजाद, आप भी कर सकते हो, ऐसी बात नहीं है। व्हाई वुड यू से इट्स हिम और टेल अस समथिंग अबाउट हिम? शहजाद के साथ आई हैव एन अमेजिंग बॉन्डिंग, क्योंकि मैंने उनके साथ बिल्कुल शुरू में अपने काम किया था एंड वी डिड छोटी सी जिंदगी। तो छोटी सी जिंदगी में हम लोगों के कैरेक्टर ऐसे थे कि हम दोनों एक दूसरे को मारते थे और चीखते चिल्लाते थे एक दूसरे पे, मतलब बच्चों की शादियाँ हो जाती है ना बेसिकली, ऐसा होता है। एंड आई एम लाइक रियली यंग और वो सब कुछ, तो हम लोगों की इतने वो कैरेक्टर्स ऐसे थे कि हम लोगों की केमिस्ट्री बहुत अच्छी हो गई थी उससे। और फिर वो पीरियड प्ले था, सो वी गेट ओल्ड एज वेल, तो हम लोगों ने बड़ा मजा किया था उस पूरे प्रोजेक्ट से, एंड सिंस देन वी बीन वेरी गुड फ्रेंड्स। ओके, अब ये जो है ना एक और आपके को स्टार, आई वॉन्ट टॉक अबाउट द ड्रीम नॉट द फियर, लुक एट मी वेन आई एम टॉकिंग टू यू, यू लुकिंग एट मी बट आई एम लुकिंग थ्रू यू, ऐसी बातें कौन कह सकता है? कौन कहता है ऐसी बातें? यार ये आप, ये गूगल से तो नहीं सबने कैप्शन निकाल निकाल के लगाए हुए, ये किसी की पर्सनैलिटी नहीं बता रहे। अभी रिसेंट आपके ड्रामा इन्हीं के साथ था शायद, फिरोज? या ओके, ये तो थैंक यू फॉर दैट, थैंक यू फॉर दैट, थैंक यू। अच्छा, उनके बारे में, फिरोज के बारे में कुछ बताएं। फिरोज, ही इज अ टॉकेटिव गाय, ये मुझे लगता है कि शायद बड़े कम लोगों को लगता होगा, क्योंकि हर कोई शायद से बड़ा वो ना एक चुप सीरियस गाय समझता होगा, बट ही इज़ वेरी टॉकेटिव, ही टॉक्स अ लॉट। एंड एज एन एक्टर, ही हैज़ एन अमेजिंग बिहेवियर ऑन सेट, कि रिहर्स करना, चीज़ें करना, ये नहीं कि यार मैं फिरोज खान हूँ तो मैं बस, नो, ही इज़ नॉट लाइक दैट, सो इट वॉज वंडरफुल वर्किंग विद हिम। अब ये है, किसी ने लिखा है, कुछ इश्क किया कुछ काम किया, फीमेल है आपकी फ्रेंड, कौन हो सकता है? कुछ इश्क किया कुछ काम किया, ये मुझे कुछ, ज़ारा?
Yes. Zara Noor Abbas. Nice. पहले नहीं है ना. वैसे वो she can write something like she can write something. हाँ वो भी बहुत अच्छा बोलती हैं. She has an amazing sense of words और किस तरीके से क्या चीज़ होनी चाहिए. तो I was super sure ये हो सकता है उनका. अच्छा when life throws lemon, make lemonade and don't forget to deliver at my place. ये किसने लिखा हो सकता है. अच्छा is it a girl or a guy? ये तो बताओ. Girl. Okay girl. Aman? नहीं. मिनाल? ना. ये थोड़ी है बस नाम ना, कोई और चार नाम भी ले लें A B C D सबके नाम ले. किसी पे तो हाँ बोलेगी राबिया. आपकी दोस्त है अच्छी बड़ी हिना. यस अल्ताफ. ऐसे आप ना मुझे हिंट्स देती जा करें पर नहीं खत्म हो गई गेम. ओह अच्छा ओके यार ये तो कैप्शन से भी हो सकता था. क्या पता गूगल से कैप्शन. अब ये तो आप उन्हीं से पूछें कि उन्होंने गूगल से कैप्शन निकाले हैं. कोई सारे दोस्त हैं इतनी समझ रहे कि मैं उन पे इल्जाम लगा रही हूं गूगल से सर्च करके कैप्शंस लगाते हैं सोच के डाले. आई डू द सेम. इट्स ओके. यू डू द सेम. यू एक्चुअली गूगल. यस आई एक्चुअली गूगल. जो भी मेरी पिक्चर का मूड होता है ना पहले मैं ये करती थी. अब तो बचा ही नहीं कुछ. अब तो मैं डायरेक्टली इमोजी डाल देती हूं. आई एम लाइक कौन लिख रहा है बस मैं इमोजी डाल रही हूं. तो मैं गूगल से सर्च करती थी कि ये कैसा मूड है. ओ अच्छा ये मूड है तो मैं उस पे सर्च करती थी कि इस मूड के कोट्स चाहिए तो मैं निकाल के कोट यू नो कॉपी पेस्ट करती थी. सो आई डोंट हैव एनी इशू एक्सेप्टिंग दैट. एक सोशल मीडिया इतना प्रेशर वाली जगह बन गई है ना और बहुत ज़्यादा लोगों को मुझे लगता है कि आर्टिफिशियली खूबसूरत होने का एक वो पुश करता है और ये प्रेशर बहुत हो गया है कि हमें भी इन जैसे हमें सब लोग इंस्टाग्राम पे नज़र आते हैं हमें भी वैसा ही लगना चाहिए. यू नो जनरल ऑडियंस या जनरल में लोगों की बात करें एक आम इंसान की. आपको लगता है सेलिब्रिटीज़ एंड इन्फ्लुएंसर्स इस पार्ट का प्रोसेस है टू क्रिएट दिस इम्प्रेशन ऑन इंस्टाग्राम बिकॉज इतने परफेक्ट नज़र आते हैं इतने खूबसूरत नज़र आते हैं कि वो एक खूबसूरत दुनिया क्रिएट कर देते हैं जो जो इंसान दूसरी तरफ देखा एक आम इंसान फिर वो कहता है यार मुझे भी तो इतना ही खूबसूरत लगना है मैं क्यों नहीं लग सकता. कुछ रियलिटी को ला सकते हैं कुछ इम्परफेक्शंस अगर हम सेलिब्रिटीज दिखाना शुरू करें ताकि ये प्रेशर कम हो जाए. बिल्कुल होना चाहिए. क्या लगता है आपको. लेकिन मतलब इसमें दो पहलू हैं ठीक है. इट्स अ कॉइन व्हिच हैज टू साइड्स. एक साइड उसकी ये है कि अनटिल एंड अनलेस हम ऐसे होंगे यू वुडंट क्रेव फॉर अस. ओके आप हमें हमारे काम को नहीं देखोगे. You wouldn't want to follow us. मतलब आप देखोगे कि यार इसमें ऐसा नया क्या है. मतलब जैसे मैं भी आप में इंटरेस्ट तब शो करूँगी जब मुझे कुछ मिलता रहेगा ठीक है. कुछ कंटेंट मिलेगा कुछ मुझे इंटरेस्टिंग चीज़ मिलेगी या मुझे कुछ ऐसा मिलेगा जो यू नो प्रॉब्ली मेरी डेली लाइफ में नहीं है. अब आप ये एक्सपेक्ट हाँ जब आप ये तो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते ना कि अब जैसे हम जैसे इंडियन सेलिब्रिटीज़ हैं उनकी पपराजी होती है एयरपोर्ट पे. अब आम बंदा तो एक्सपेक्ट नहीं कर सकता ना कि वो एयरपोर्ट पे जा रहा है अपनी एयरपोर्ट लुक बना के तो आके पपराजी उसकी तस्वीरें लेने. मतलब इट्स देयर लाइफ. दैट्स हाउ देयर लाइफ गोज. देयर एन एक्टर उनका है ये जिंदगी के वो हमेशा क्लिक हो रहे होंगे उन जैसे मैं बहुत ऐसी हूँ कि यार मुझे मेकअप नहीं करना है ऑल आउट है. लेकिन फिर मैं कभी कभी जहाँ मुझे होता है मैं कर लेती हूँ क्योंकि मुझे पता होता है कि यार कभी भी कोई आई एम ओके विद हैविंग माय पिक्चर्स टेकन विदाउट एनी हेयर डन विदाउट एनी मेकअप. मुझे कोई मसला नहीं होता. लेकिन कभी कभी मैं कर भी लेती हूँ कि यार हाँ ठीक है ये भी एक लाइफ है जो कि हमें एक एक्टर की है. Okay. अब एक ऑफिस गोइंग एक्टर की लाइफ में नहीं जा सकता. एक्टर की लाइफ ऑफिस में नहीं जा सकती. सो दिस इज़ व्हाट वी डू दिस इज़ आवर वर्क. हाँ लेकिन इसकी एक और साइड ये भी है कि ये लोगों को ये सोचने पे शायद मजबूर कर देती है कि यार दिस इज़ लाइक अ डेली थिंग और ये हमारी भी होनी चाहिए ये हम भी करते हैं. नहीं वी आर एक्टर्स. दिस इज़ व्हाट वी डू. ये दिस इज़ हाउ वी अर्न मनी. Yeah. अगर सिंपल और उसके पीछे बहुत मेहनत भी लगती है. एग्जैक्टली सिंपल अगर इसकी बात हो जैसे मैं आज आपके पास आई हूँ तो मुझे अपना थोड़ा सा इंटरव्यू डिले कराना पड़ गया जैसे कि मैंने आपको बोला था जस्ट बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि मैंने मेरी कुछ पिक्चर्स थी जो मुझे करवानी थी जो मेरे काम से रिलेटेड थी. तो मुझे अपना पूरा टाइम उस तरीके से मैनेज करना पड़ा कि अच्छा कबीर हैजंट स्लेप्ट सुबह वो अम्मी उसको देखेंगी तो मैं तैयार होंगी. फिर अम्मी आई उन्होंने मेरी पिक्चर्स ली. देन आई चेंज द ड्रेस शी टुक माय पिक्चर्स अगेन. देन आई चेंज इनटू माय आउटफिट जो मुझे यहाँ आना था. फिर मैं यहाँ आई
दिस इज़ माई वर्क, ये सारा बिहाइंड द कैमरा है जो सब कुछ हो रहा है. सो इट इज़ नॉट ऑलवेज पिक्चर्स में इतना अच्छा दिख रहा है, हील वील पहनी हुई है, एयरपोर्ट पे जा रहे हैं, मज़े कर रहे हैं, वेकेशन कर रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, तो हमेशा वो नहीं होता. तो आपको उसमें आके अपनी ज़िंदगी को मोल्ड नहीं करना उसके हिसाब से, क्योंकि आपकी ज़िंदगी अलग है. Until and unless आप आते हो, एक्टर बनते हो, तो आप इस ज़िंदगी को और इस लाइफस्टाइल को फॉलो कर रहे हो, ये एक अलग बात है. लेकिन अगर आपका ये आपकी ये लाइफ नहीं है, तो आपको बिल्कुल भी इस एहसास कमतरी में जाने की ज़रूरत नहीं है कि यार ये इसके पास है, मेरे पास क्यों नहीं है. क्योंकि अगर वो चीज़ हमारे पास है, तो हमें भी बहुत कुछ गिव अप करना पड़ा है टू हैव दैट. सही बात है. तो और बहुत मेहनत करनी पड़ी उस लुक को लेने के लिए भी. ऐसा नहीं कि चुटकी बजाई और उस चीज़ को हासिल करने के लिए जहाँ है वहाँ हमें बहुत मेहनत करनी पड़ी है. सो इट्स नॉट लाइक हमने रातों ही रात हर चीज़ कमा ली है, हर चीज़ देख ली है और हम बस तैयार होकर आ गए हैं. सो दोनों साइड्स हैं. मुझे लगता भी है कि ये है, लेकिन फिर हम ये भी सोचते हैं कि हम एक्टर हैं. दिस इज़ आवर लाइफ, दिस इज़ सोशल मीडिया, एंड सोशल मीडिया इज़ अ बिजनेस. इंडस्ट्री में जो नए कपल्स हैं, यंग कपल्स हैं, बहुत से कपल्स की जो शादी है वो नहीं नहीं सर्वाइव कर पा रही है, यू नो, या उनको चैलेंजेस हमने देखा है कि फेस करना पड़ रहे हैं. तो आपको थोड़ा सा फियर होता है ये सब देखती हैं, और आपको क्या लगता है कि ये क्या इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री इज़ टेकिंग अ टोल ऑन रिलेशनशिप्स, या आपके अंदर कहीं फियर है, बिकॉज आप दोनों भी इसी इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं, और क्या आपने अपने आस पास देख के कुछ चीज़ें ऑब्जर्व की हैं जो आप यू आर मेकिंग श्योर कि आप लोग उस चीज़ को फेस नहीं करें? मुझे ऐसा लगता है इट्स नॉट ओनली द मीडिया इंडस्ट्री. आप किसी भी करियर में जाओगे, यू विल मीट न्यू पीपल. आप कहीं भी काम करो, आप ऑफिस में काम करो, आप फूड बिजनेस में हो, आप कहीं भी हो, यू मीट न्यू पीपल. सो इट्स नॉट ओनली दिस इंडस्ट्री विच प्रॉब्ली टेक्स अ टोल ऑन अ रिलेशनशिप या कुछ. बाकी चीज़ ये होती है कि बिल्कुल ऐसा होता है, लेकिन then this is what a challenge is, this is what a marriage is. शादी यही है. फिर आपने अगर किसी के साथ कुछ कमिटमेंट की है कि यार हम हैं और हमने ज़िंदगी गुजारनी है, तो फिर ये चैलेंजेस तो बहुत थोड़े हैं. ये तो आज की बात है, कल एक नया चैलेंज खड़ा हुआ होगा और इससे बड़ा होगा. तो हम अगर इसी से डर जाएंगे, तो फिर आगे कैसे ज़िंदगी गुजरेगी? सो आई थिंक वी नीड टू कीप अप विद ऑल द चैलेंजेस. Nice. Thank you so much for your time, Mitra. Thank you. It was a lovely conversation. I hope it I won't meet you. It was a heart-to-heart conversation. It was heart-to-heart. No, but I loved coming here. And I didn't feel like I was going to interview. So, hey, gupchup, na? Yes, gupchup. Chai ke saath, green tea ke saath. Green tea ke saath gupchup. Yeah, but thank you for having me here. Anything you want to say to your fans? They all love you so much. Thank you so much. You all love me and I really, really respect that. I love you all. बस यही है कि आज जो भी हमने सारी बातें की हैं, जो बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट बातें थीं, वो थीं कुछ थेरेपी से रिलेटेड, कुछ टैबू था मैरिज काउंसलिंग से रिलेटेड, सोशल मीडिया से रिलेटेड कुछ बातें थीं. तो इन सब पे ज़रा सा जो भी मैंने कहा वो मैंने बहुत दिल से कहा है, तो आपको थोड़ा सा ध्यान देना है और समझना है इन चीज़ों को, बिकॉज़ आई थिंक दिस इज़ वॉट लाइफ इज़. अगर हम इन छोटे छोटे चैलेंजेस को फेस कर लें, आगे बढ़ें, हिम्मत से काम लें हर चीज़ में, तो हर चीज़ फिगर आउट हो जाएगी और परेशानी कभी नहीं होगी. तो डरना नहीं है एंड जस्ट कीप ऑन गोइंग. बाय बाय.